हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एस एस का एग्जाम हुआ है दो मई से लेकर उन्नीस मई तक टोटल आपके उनचालीस शिफ्टों में एग्जाम लिया गया है उसमें जीके और जीएस के जितने भी रियल और ऑथेंटिक प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एस एस का एग्जाम होने वाला है या फिर आप सी या सी एच का एग्जाम देने वाले हैं तो मैं आपको 100% परसेंट ये गारंटी देता हूँ कि आपको इस वीडियो से जो है चार से पांच प्रश्न जो आपके हर शिफ्ट में जो है वो देखने को मिल जाएंगे तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखेगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एस एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बैलाइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन आया था कि फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है तो देखिए फ्लड ऑफ फायर ये जो पुस्तक है ना ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है तो अमिताभ घोष आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले अमिताभ घोष की अन्य रचनाओं के बारे में जैसे कि द सैडो लाइन्स द ग्लास पैलेस इल ट्रायोलॉजी द ग्रेट डी अरेंजमेंट, ये सभी जो पुस्तकें हैं ना ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप पता था कि सत्रिया नृत्य के जो है जनक के रूप में ये जो है किसे जाना जाता है तो देखिए अगर सत्रिया नृत्य की बात कर ले तो ये आपका असम राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है और पंद्रहवीं शताब्दी में जो है श्रीमंता शंकर देव के द्वारा जो है नृत्य की जो है वो खोज की गई थी इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि की नृत्य को जो है 2000 हजार ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा भी जो है वो प्रदान किया गया था और क्षत्रिया नृत्य के जनक के रूप में जो है ये श्रीमंता शंकर देव को जाना जाता है तो श्रीमंता शंकर देव आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मणिपुरी डांस के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए मणिपुरी डांस ये जो आपका मणिपुर राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है और मणिपुरी डांस के जनक के रूप में जो है ये गुरु बिपिन सिंह को जाना जाता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पर था कि असद अली खान ये जो है किस वाद्य यंत्र के वादक हैं तो देखिए असद अली खान की बात कर लें तो ये आपके रुद्रवीणा वादक से संबंधित है तो रुद्रवीण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा रुद्रवीण के अन्य वादक की बात कर लें तो देखिए असित कुमार बनर्जी बहुद्दीन डागर जिया मोहिदीन डागर हिंदराज दिवेकर ज्योति हेगड़े बंदे अली खान मुराद खान नौबत खान उमराव खान राजब अली खान वज़ीर खान बिंदु माध माधव पाठक इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके रुद्रवीणा वादक से है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप यहाँ पता था कि मकर संक्रांति में किस भगवान की पूजा की जाती है

तो देखिए पॉजिटिव चार्ज का जो मतलब होता है ना ये आपका इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन जो है वो ज्यादा होता है ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सूर्य की रोशनी की कमी से कौन से विटामिन की जो है कमी हो जाती है तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विटामिन डी ये जो हमें किससे प्राप्त होता है तो देखिए सूर्य की रोशनी से जो है हमें विटामिन डी प्राप्त होता है और विटामिन डी की कमी से जो है क्या होता है तो विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग जो वो होता है यानी रिकेट्स का मतलब कि यानी जो आपका हड्डियाँ है ना वो कमज़ोर हो जाती है तो सूर्य की रोशनी से कौन से विटामिन की कमी हो जाता है तो ये आपका विटामिन डी का कमी हो जाता है तो विटामिन डी आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप रहा था कि पेरिस स्थित संस्था FATF, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उन्नीस अक्टूबर दो हजार बाईस को जो है किसको ग्रे लिस्ट से जो है वो बाहर कर दिया है यानी एफ ए टी एफ के द्वारा अक्टूबर 2022 में किस देश को जो है ग्रे लिस्ट से जो है वो बाहर कर दिया गया है तो देखिए मैं आपको बता दूंगी कि ए एफ होता क्या है तो देखिए कोई भी देश जैसे वैसपी पे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है या फिर आतंकवादी का वित्त पोषण यानी जो है भालन पोषण या फिर जो आपका देख रेख कर रहा है वैसे पे जो है ये आपका एफ जो संस्था है ना ये आपका निगरानी रखता है तो इसी में जो है उन्नीस अक्टूबर दो को पाकिस्तान देश को जो है ग्रे लिस्ट से जो है वो बाहर कर दिया गया है तो पाकिस्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा अगर एफ की स्थापना की बात कर ले तो एफ की जो स्थापना है ना ये आपका 1989 में जी सेवन देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में जो है इसका स्थापना किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आया था कि 2021 में मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है ना क्रिकेटर में ये जो है किसको दिया गया था तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2021 में टोटल 12 लोगों को जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है वो दिया गया था और वो बारह लोग कौन कौन से हैं तो पहले आपके नीरज चोपड़ा जिनको एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया था सेकंड आपके रेसलिंग के क्षेत्र में जो है ये रवि कुमार को दिया गया था बॉक्सिंग के क्षेत्र में जो ये आपका लवलीना बॉर्गियन को दिया गया था हॉकी के क्षेत्र में जो है आपका पीआर आर को दिया गया था पारा शूटिंग में जो है, आपका अवनी लेखरा को दिया गया था पैरा एथलेटिक्स में जो ये आपका सुमित अंतिल को दिया गया था इसके अलावा बात कर ले सातवें नंबर पे तो देखिए पैरा बैडमिंटन में जो है ये आपके प्रमोद भगत को दिया गया था पैरा बैडमिंटन में कृष्णा नागर को भी दिया गया था पैरा शूटिंग में जो है ये मनीष नरवाल को दिया गया था क्रिकेट के क्षेत्र में जो है ये मिताली राज को दिया गया था फुटबॉल के क्षेत्र में सुनील छेत्री को दिया गया था और हॉकी के क्षेत्र में जो ये आपका मनप्रीत सिंह को दिया गया था तो क्रिकेट के क्षेत्र में पूछा गया था

जो कि पचासवें नंबर के हैं तो धनंजय वाई चंद्र चूड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा और ये कब कब से हैं तो ये आपके 9 नवंबर 2022 से जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा उनचासवें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर ले तो ये आपके उदय उमेश ललित थे तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर ले तो देखिए भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे ना ये आपके एच जे कानिया थे तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही है सर्वोच्च न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश थी ना ये फातिमा एम बीबी थी तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आप पर आता कि किस राज्य या फिर यूटी में नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 के द्वारा तीन नगर निगमों का जो है विलय किया गया है तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 22 मई 2022 को नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 के द्वारा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में जो है तीन नगर निगमों का जो है वो विलय किया गया है तो दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आप बताया था कि साइमन कमीशन का जो है उद्देश्य क्या था तो देखिए अगर साइमन कमीशन की बात कर ले तो देखिए साइमन आयोग जो है सात ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था जिसका गठन जो है 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए जो है इसका गठन जो है वो किया गया था इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था तो तीन फरवरी उन्नीस को जो है साइमन कमीशन ये जो है बंबई जो है वो पहुंचा था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा साइमन कमीशन का उद्देश्य की बात कर ले तो ये आपका संवैधानिक धारों पर एक व्यापक सॉरी एक व्यापक अध्ययन करना था इसके अलावा ता, ताकि तत्काल शासन करने वाला जो सरकार था ना उसको जो सिफारिशें जो है वो दी जा सके तो ये जो है साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर था कि चार्टर एक्ट 1793 से जो है आपका प्रश्न पूछा गया था तो देखिए चार्टर एक्ट 1793 की बात कर ले तो इसने जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को जो है अगले 20 वर्षों तक जब वो बढ़ा दिया गया था तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पड़ा था कि कुसान वंश की जो है दूसरी राजधानी पूछी गई थी तो देखिए कुसान वंश की जो प्रथम राजधानी था ना ये आपका पेशावर यानी पुरुषपुरा था तो आपका दूसरा पूछा गया था तो देखिए कुसान वंश का जो दूसरी राजधानी था ना ये मथुरा में था तो मथुरा आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा अगर कुशान वंश की बात कर ले तो कुशान वंश का जो स्थापना है ना ये कुजुल कडफिश के द्वारा जो वो किया गया था कुषान वंश का जो शासन काल है ये तीस से लेकर तीन सौ पचहत्तर ए तक रहा था और इसका जो सबसे जो शक्तिशाली शासक था ना तो कुषान वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था ये आपका कनिष्क था और कनिष्क ने जो अपने साम्राज्य की जो राजधानी है ना ये पुरस्पुर में जो वो स्थापित किया गया था यानी अगर प्रथम राजधानी पूछा जाए तो ये पेशावर यानी पुरस्पुरा था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आप पता कि बौद्ध भिक्षु के रहने का स्थान जो वो क्या कहलाता है देखिए बौद्ध भिचु के रहने वाले स्थान को जो है ये विहार कहा जाता है तो विहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है ये भारत में नहीं है तो देखिए आपके ऑप्शन में जो है एक मेहरगढ़ दिया गया था तो ये जो आपका जो आपका मेहरगढ़ पुरातात्विक स्थल है ना ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है जहाँ से आपका नौ युग के जो है बहुत से अवशेष जो है वो प्राप्त किए गए थे तो मेहरगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो देखिए विश्व में आपके पांच जो है वो महासागर है जिसमें सबसे बड़े महासागर की बात कर ले तो ये आपका पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है तो प्रशांत महासागर आपका करेक्ट आंसर होगा दूसरे नंबर पे अगर पूछा जाए तो ये आपका एटलांटिक ओशियन है तीसरे नंबर पे आपका इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर है चौथे पे आपका साउथर्न ओशियन है पांचवें पे आपका आर्कटिक ओशियन है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है वहीं अगर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ दे तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है ना ये आपका एशिया महाद्वीप है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पड़ा था कि मुर्गा जो बंदरगाह है ना ये कहाँ पर स्थित है तो देखिए मुर्गा बंदरगाह की बात कर ले तो ये आपका गोवा राज्य में स्थित है तो गोवा आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले अन्य प्रमुख बंदरगाह के बारे में जैसे कि कांडला बंदरगाह ये जो आपका गुजरात राज्य में है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये जो आपका महाराष्ट्र राज्य में है मोरमु गाँव जो कि आपका गोवा में है मैंगलोर बंदरगाह ये जो आपका कर्नाटक में है हल्दिया बंदरगाह की बात कर ले तो ये आपका वेस्ट बंगाल में है पारादीप बंदरगाह की बात कर ले तो ये आपका ओडिशा राज्य में है एनोरो बंदरगाह की बात कर ले तो ये आपका तमिलनाडु में है तुथी जो है ये आपका तमिलनाडु में है कोची की बात कर ले तो ये आपका केरला में है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां आप पर था कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का रैंक पूछा गया था तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का जो रैंक है ना वो सातवां स्थान है तो सातवां आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा भारत का कुल क्षेत्रफल पूछा जाता है तो देखिए भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ना ये आपका बत्तीस लाख सतासी हजार दो सौ तिरसठ वर्ग किलोमीटर है और ये आपका विश्व के कुल सतह का जो है लगभग टू पॉइंट फोर परसेंट है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा क्षेत्र के अनुसार सॉरी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो आपका देश है ना ये आपका रसिया देश है उसके बाद आपका कनाडा देश है थर्ड पे आपका चाइना है फोर्थ पे आपका यूनाइटेड स्टेट्स है फिफ्थ पे आपका ब्राजील है और सिक्स पे आपका ऑस्ट्रेलिया देश है और सातवें पे हमारा भारत देश है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर था कि भारत किस देश के साथ जो है समुद्री सीमा साझा करता है तो देखिए भारत दक्षिण पूर्व में जो है श्रीलंका और दक्षिण पश्चिम में जो है ये मालदीव के साथ समुद्री सीमा साझा करता है तो आपके ऑप्शन में जो है मालदीव दिया गया था तो मालदीव आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत जो है सात देशों के साथ जो है ये भूमि सीमा साझा करता है और वो सात देश कौन कौन से हैं तो पहला आपका चीन सेकेंड भूटान थर्ड आपका नेपाल फोर्थ पाकिस्तान फिफ्थ आपका बांग्लादेश सिक्स अफगानिस्तान और सेवेंथ आपका म्यांमार ये सात देश के साथ भारत जो है वो भूमि सीमा साझा करता है और सबसे ज़्यादा जो भूमि सीमा साझा है ना ये बांग्लादेश के साथ करता है उसके बाद आपका चीन देश के साथ करता है उसके बाद पाकिस्तान के साथ करता है तो ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में जनसंख्या का जो विस्फोट की अवधि है ना यह किस अवधि के रूप में जाना जाता है तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में जनसंख्या में दशकों को स्थिर स्थिर जनसंख्या वृद्धि की जो अवधि है ना ये आपका 1921 से 1951 के अवधि के, के रूप में जाना जाता है लेकिन जनसंख्या वृद्धि से भी और अधिक वृद्धि जो है यानी विस्फोट की अवधि को जो है किस अवधि के रूप में जाना जाता है तो ये आपका उन्नीस से उन्नीस सौ के दशकों को जो है ये आपका विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है तो इक्यावन से इक्यासी आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की जनसंख्या के विकास के स्थिर चरण की, की, की अवधि के रूप में जो है ये किस अवधि को जाना जाता है तो ये आपका 1901 से 1921 की अवधि को जो है वो जाना जाता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ है कि आर्टिकल 40 ये जो है किससे संबंधित है तो देखिए आर्टिकल 40 की बात कर ले तो ये आपके ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है तो ग्राम पंचायत का संगठन आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आप पर था कि कौन सी पब्लिक सेक्टर की बैंक है तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बारह जो आपका पब्लिक सेक्टर की बैंक है और बारह वो कौन कौन सी है तो पहला आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसकी स्थापना 1955 में किया गया था सेकंड आपका पंजाब नेशनल बैंक है जिसकी स्थापना अठारह में किया गया था थर्ड आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है जो कि उन्नीस में इसकी स्थापना किया गया था और शायद आपका ऑप्शन में बैंक ऑफ बड़ौदा ही दिया गया था तो ये जो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में किया गया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना ये जो आपका 1935 में किया गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में किया गया था कैनरा बैंक का स्थापना 1906 में किया गया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में किया गया था इसके अलावा इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में किया गया था इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 1937 में किया गया था पंजाब एंड सिलिंड बैंक की जो स्थापना है ना ये 1908 में किया गया था यूको बैंक की जो स्थापना ये आपका 1943 में किया गया था तो ये जो आपके भारत में बारह जो वो पब्लिक सेक्टर के बैंक है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आप पर था कि इनमें से कौन भारतीय धावक है जहाँ पे ऑप्शन में आपका मिल्खा सिंह दिया गया था तो देखिए मिल्खा सिंह जो है एक भारतीय धावक है तो मिल्खा सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि द रेश पुस्तक है ना ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना एग्जाम में पूछा जाता है कि मिल्खा सिंह की आत्मकथा कौन सी है तो द रेश ऑफ माई लाइफ ये जो है मिल्खा सिंह की आत्मकथा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पड़ा कला मंडलम कल्याणी कुटी अम्मा का जो संबंध है ना ये किस शास्त्रीय नृत्य से है तो देखिए के, के अम्मा का जो संबंध है ना ये मोनी अटम शास्त्रीय नृत्य से है तो मोनी अटम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले मोनी अटम ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो ये आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि बॉम्बे जयश्री ये जो है किस प्रकार की गायिका है तो देखिए बॉम्बे जयश्री की बात कर ले तो ये आपका भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका है तो कर्नाटक संगीत आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले बॉम्बे जयश्री ये जो है किस राज्य से संबंधित है तो ये आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बॉम्बे जयश्री को 2021 में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पा था कि एंड देन वन डे दे ए मेमोयर ये जो है किसकी आत्मकथा है तो देखिए एंड देन वन डे ए मेमोयर ये जो आपका भारतीय एक्टर नजीरुद्दीन शाह का जो है ये आपका आत्मकथा है तो नजीरुद्दीन शाह आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पता था कि दवाल ऑफ क्रिकेट ये जो है किसे कहा जाता है तो देखिए दवाल ऑफ क्रिकेट ये जो है राहुल द्रविड को कहा जाता है तो राहुल द्रविड आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा कैप्टन कूल माही या फिर थाला थाला के नाम से जो है ये आपका महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है इसके अलावा मिस्टर क्रिकेट के नाम से जो है आपका माइक हसी को जाना जाता है लिटिल मास्टर के नाम से जो है ये सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है इसके अलावा चर्ची के नाम से जो है ये एडम गिलक्रिस्ट को जाना जाता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा हिटमैन के नाम से जो है आपके रोहित शर्मा को जाना जाता है चीकू के नाम से जो है ये विराट कोहली को जाना जाता है इसके अलावा विराट कोहली को जो है रन मशीन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पड़ा था कि गोल्फ ये जो खेल है ना ये कहाँ पर खेला जाता है तो देखिए गोल्फ खेल जो है ये आपका गोल्फ कोर्स पर खेला जाता है तो गोल्फ कोर्ट्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि गोल्फ कोर्ट्स में जो है कितने होल्स होते हैं तो इसमें जो आपके अट्ठारह होल्स होते हैं तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पड़ता कि दो की जनगणना के अनुसार भारत का जो है लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर जो है ये कितना रहा था तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिटरेसी रेट है ना ये 74.04 परसेंट रहा था जिसमें पुरुषों का जो साक्षरता दर है ये 82.14 परसेंट रहा था और महिलाओं का जो आपका साक्षरता दर है ये 65.46 परसेंट रहा था तो 74.04 परसेंट आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जो है सबसे ज्यादा साक्षरता दर था तो ये आपका केरल राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता दर था कितना था तो ये आपका 94 परसेंट था और सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य था यह आपका बिहार राज्य था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आप पड़ा था कि भारत में नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये कितना है तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में टोटल यानी कुल जो आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं ये आपके 40 हैं लेकिन यहाँ पर जो है नेचुरल यानी प्राकृतिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूछा गया था तो देखिए भारत में नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये आपके साथ हैं तो सात आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मिश्रित की बात कर ले तो एक जो आपका मिश्रित है और बत्तीस जो है ये आपका कल्चरल यानी सांस्कृतिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पर था कि TFR जो है जोग्राफी में फुल फॉर्म क्या होता है तो देखिए जोग्राफी में टी एफ आर फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर होता है तो कुल प्रजनन दर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पहा था कि भागीरथी का जो है सहायक नदी पूछा गया था तो देखिये भागीरथी की सहायक नदियों की बात कर ले तो भील गंगा इसके अलावा जाड गंगा सिया गंगा असी गंगा ये सब जो आपके भागीरथी की सहायक नदियां हैं तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि भागीरथी नदी जो है ये किस ग्लेशियर से निकलता है तो ये आपका गौमुख ग्लेशियर से निकलता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा एग्जाम में प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि जो आपका भागीरथी नदी और अलकनंदा ये जो आपका देवप्रयाग में जो मिलता है ना तो ये किस नदी का निर्माण करता है

तो देखिए वर्तमान में जो भारत के लोकसभा स्पीकर है ना ये आपके ओम बिरला है तो ओम बिरला आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले ये जो है कितने नंबर के लोकसभा स्पीकर हैं तो ये आपके सत्रहवे नंबर के जो है लोकसभा स्पीकर हैं और ये कब से हैं तो ये आपके 19 जून 2019 से जो है ये आपके लोकसभा स्पीकर हैं तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के जो आपके डिप्टी स्पीकर है ना इनका जो पद है वो अभी खाली है और कब से तो ये आपका 23 मई 2019 से खाली है वर्तमान में लोकसभा के महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल कौन है तो ये आपके उत्पल कुमार सिंह है वर्तमान में लोकसभा सदन सदन के के नेता नेता कौन है है तो देखिए आपके जो लोकसभा ना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इसके अलावा डेप्टी लीडर ऑफ द हाउस यानी लोकसभा के डेप्टी लीडर कौन है हाउस के तो ये आपके राजनाथ सिंह है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहां आप रहा था कि दिल्ली में किसने 26 अक्टूबर 2022 को जो है आवासीय संपत्तियों वाणिज्य संपत्ति और दोनों के लिए जो है एक मुस्त संपत्ति कर माफी योजना यानी स्मृति 2022 हजार योजना जो है वो शुरू किया गया है तो देखिए दिल्ली में अक्टूबर 2022 में ये जो आपका स्मृति 2022-23 योजना है ना ये दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के द्वारा शुरू किया गया है तो विनय कुमार सक्सेना आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पांडे वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक कौन थे तो देखिए अगर पांडे वंश की बात कर ले तो ये आपका दक्षिण भारत में एक ऐतिहासिक तमिल राजवंश था जिसके सर्वश्रेष्ठ शासक जो है ये आपके नेदुन जेलियन थे तो नेदुन जेलियन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर है कि विच फॉरेन ट्रेवल गिव ऑल प्रॉपर्टीज टू चंद्रगुप्त मौर्य यानी कौन सा विदेशी यात्री जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सारी संपत्ति जो वो दे दी थी तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है सैल्यक निकेटर ने यूनानी राजदूत मेगास्तनीज को जब वो भेजा था और मेगास्तनीज के द्वारा ही जो आपका ये इंडिका नामक पुस्तक है ना ये जो है वो लिखा गया था तो आपके ऑप्शन में या तो सैल्योश निकेटर दिया गया होगा तो सैल्यकोश निकेटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आता है कि बनारस में द हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है ना ये कब किया गया था तो देखिए हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है ना बनारस में ये सत्रह में किया गया था तो सत्रह आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक आपका हिंदू कॉलेज यानी द हिंदू कॉलेज जो है ना ये आपका कलकाता में भी है तो देखिए इसकी जो स्थापना है ना ये राजा राम मोहन राय के द्वारा 1817 में किया गया था और वर्तमान में द हिंदू कॉलेज जो आपका कलकत्ता में है ना इसका जो नाम है ना वो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा अगर पूछा जाए सेंट्रल हिंदू बनारस कॉलेज की स्थापना ये जो है कब और किसके द्वारा किया गया था तो देखिए सेंट्रल हिंदू बनारस कॉलेज की जो स्थापना है ना ये अठारह में एनी बेशन के द्वारा किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आप पड़ा था कि धर्म सभा का जो गठन है ना ये किसने किया था तो देखिए धर्म सभा का गठन 1830 में जो है कलकत्ता में राधाकांत देव के द्वारा किया गया था तो राधाकांत देव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि नगर निगम और पंचायत के जो चुनाव है ना ये कौन करवाता है तो देखिए नगर निगम और पंचायत के जो चुनाव है ना ये राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है तो राज्य चुनाव आयोग आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पड़ा था कि संविधान का भाग सोलह जो है ये किससे संबंधित है तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 16 की बात कर ले तो ये आपका कुछ वर्ग यानी एस टी के लिए जो है आपके विशेष उपबंध जो है वो करवाया गया है तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भाग 16 जो है ये आपका अनुच्छेद 330 से लेकर जो है 342 तक है जिसमें अनुच्छेद 330 में जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है स्थानों का आरक्षण जो है वो किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पता है कि कौन सा ससंयोजक योगिक है यानी कौन सा जो आपके कोवैलेंट कंपाउंड है तो देखिए को कंपाउंड्स कंपाउंड क्या होते हैं कि जिसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन का जो वो साझा यानी आदान प्रदान जो है वो होता है या फिर मैं आपको बता दूं कि ऐसे योगिक जिसमें केवल ससंयोजक बंद यानी को बॉन्ड जो है होते हैं तो उन्हें जो है को कंपाउंड जो है वो कहा जाता है अब देखिए ससंयोजिक योगिक यानी कोवैलेंट कंपाउंड कौन कौन से होते हैं तो आपके मीथेन होते हैं इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हाइड्रोजन गैस होता है नाइट्रोजन गैस होता है ऑक्सीजन गैस होता है क्लोरीन होता है इसके अलावा एमोनिया ये सब जो आपके कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पड़ा था कि, कि किसकी कमी से जो है घेंगा रोग हो जाता है तो देखिए आयोडीन की कमी के कारण जो है ना आपके थायराइड ग्रंथि में जो वो सूजन आ जाता है और इससे जो आपका घेंगा यानी ग्वाइटर रोग जो वो हो जाता है तो आयोडीन की कमी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध उष्ण कटिबंधीय जो है ये कौन सा है तो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध जो उसने बन वर्षा बन है ना ये आपका अमेजन है तो अमेजन आपका अमेजन आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा की बात कर ले तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका यानी जो ब्राजील के अमेजन बेसिन में एक बड़े भूभाग पर जो है ये आपका फैला हुआ है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां आप पर कौन सी जो है खरीफ की फसल है तो देखिए खरीफ की फसल की बात कर ले तो जिसे जो है जून जुलाई में जो है भारत में बोया जाता है और अक्टूबर के महीने में इसे जो है वो काटा जाता है तो ये जो आपके खरीफ फसल होते हैं और खरीफ फसल के उदाहरण की बात कर ले तो मक्का ज्वार बाजरा धान जिसे आप चावल कहते हैं इसके अलावा मूंग तुअर जूट मूंगफली गन्ना सोयाबीन उड़द कपास ये सब जो होते हैं आपके खरीफ फसल के उदाहरण होते हैं तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पड़ा था कि किस खेल में पांच पांच खिलाड़ी होते हैं और दस फीट ऊंचा एक गोल यानी हुप से होता है जिसमें बॉल को जो है वो डालना होता है तो देखिए जब भी आप बास्केटबॉल गेम खेले होंगे या फिर देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि एक आयातकार कोर्ट जो है वो आपका बना होता है जिसमें पांच पांच खिलाड़ी के जो है दो दो टीम जो है आपस में खेलते हैं और दस फीट ऊंचा जो है एक गोल हुप से बना होता है जिसमें जो है वो खिलाड़ी जो है वो बॉल को जो है वो डालते हैं तो बास्केटबॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप रहा था कि RBI द्वारा यानी यानी कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाने पर जो है, यानि का जो, इस पर जो 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 है है लिक्विडिटी तरलता का इस ना वो क्या प्रभाव पड़ेगा तो देखिए आरबीआई के द्वारा जितना भी आपका सी यानी कैश रिजर्व रेशियो को जितना अधिक होगा ना उतने जो है बैंक के पास तरलता यानी लिक्विडिटी जो है उतना ही जो है वो कम होगा तो ये स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि किस खेल में कुल ग्यारह खिलाड़ी होते हैं तो देखिए हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट खेल में कुल ग्यारह खिलाड़ी होते हैं तो आपके ऑप्शन में जो है क्रिकेट दिया गया था तो क्रिकेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले अन्य खेल के बारे में जैसे कि बेसबॉल में आपके नौ खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में पांच खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में सात खिलाड़ी होते हैं खो खो में नौ खिलाड़ी होते हैं नेट बॉल में सात खिलाड़ी होते हैं पोलो में आपके चार खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल में पंद्रह खिलाड़ी होते हैं ब्रिज में दो खिलाड़ी होते हैं आइस हॉकी में आपके छे खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में आपके छे खिलाड़ी होते हैं और वाटर पोलो में जो आपके सात खिलाड़ी होते हैं तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जो आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में जनगणना ये जो कितने वर्ष के अंतराल में होता है तो देखिए भारत में जो जनगणना है ना ये दस वर्षों के अंतराल में किया जाता है तो दस वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले भारत में प्रथम जनगणना की जो शुरुआत है ये कब हुई थी तो प्रथम जनगणना जो हुआ था ना ये अठारह के कार्यकाल में, तो में, में, में हुआ था तो ये आपका लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आप पढ़ाया था कि भारतीय संविधान की कैबिनेट जो प्रणाली है ना यानी जो आपका मंत्रिमंडल है ये किस देश के संविधान से लिया गया है तो देखिये ये जो आपका कैबिनेट प्रणाली है ना ये आपका ब्रिटेन यानी इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है तो ब्रिटेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो देखिए महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी स्वर्ण रेखा ब्रह्मपुत्र बैतरनी गंगा और ये जो आपका ब्राह्मणी नदी है ना ये सभी नदियां जो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है

तो देखिए जब भी आप क्रिकेट खेलते होंगे तो आप देखे होंगे कि जब भी आप बॉल को हिट करते हैं और जब बॉल अगर जमीन से टच करते हुए सीमा रेखा से बाहर जाते हैं ना तो उसे जो है चार रन यानी बाउंड्री चार रन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब बॉल आपका जो है डायरेक्ट बाउंड्री पार गिरता है तो इसे जो है छह रन कहा जाता है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस विभाग के द्वारा वन हेल्थ पायलट जो कार्यक्रम है ना वो लॉन्च किया गया था तो देखिए ये जो आपका वन हेल्थ पायलट जो कार्यक्रम है ना ये कर्नाटक के बेंगलुरु में पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है तो पशुपालन और डेयरी विभाग आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ एम जी सी एल टू यानी एम जी सी एल टू का जो है रासायनिक नाम पूछा गया था तो देखिए एम जी सी एल टू का जो रासायनिक नाम होता है ना ये मैग्नीशियम क्लोराइड होता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप रहा था कि किस फाइबर को जो है गोल्डन फाइबर यानी सुनहरा रेशा जो है वो कहा जाता है तो देखिए ये जो आपका जूट जिसे पटसन भी कहा जाता है और ये जो आपका सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर के रूप में जो है इसे जाना जाता है तो जूट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा और ये जो है इसे सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है क्योंकि ये जो है सबसे सस्ता प्राकृतिक रेशा होता है इसके अलावा मैं आपको बता दू कि भारत में सबसे ज्यादा जो जूट का उत्पादन होता है ना ये आपका वेस्ट बंगाल राज्य में होता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आप आता था कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को के द्वारा जो है इस्पात उत्पादन यानी स्टील प्रोडक्शन जो है ये कब शुरू किया गया था यानी किस वर्ष शुरू किया गया था तो देखिये टिस्को के द्वारा ये जो आपका स्टील प्रोडक्शन है ना ये आपका वर्ष 1912 में शुरू किया गया था तो 1912 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले टिस्को के द्वारा पिग आयरन के जो उत्पादन है ना ये कब शुरू किया गया था तो ये आपका 1911 में किया गया था इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि टिस्को की जो स्थापना है ना ये छब्बीस अगस्त उन्नीस को जमशेद जी टाटा और दुराप टाटा के द्वारा जो है वो किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आता है कि पंचतंत्र के जो है लेखक कौन है तो देखिए पंचतंत्र जो पुस्तक है ना ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है तो विष्णु शर्मा आपका यहाँ पे आप करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ है कि लाला लाजपत राय ये जो है किस संगठन से जुड़े हुए थे तो देखिए लाला लाजपत राय जो है ये आपके आर्य समाज से जो है वो जुड़े हुए थे तो आर्य समाज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दू कि आर्य समाज जो है एक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है अठारह में बंबई में जो है वो किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जीवित जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवित जीवों पर जो है वो निर्भर यानी डिपेंड होते हैं उन्हें जो है क्या कहा जाता है तो देखिए जीवित जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवित जीवों पर निर्भर करते हैं इसके अलावा मैं आपको बता दू कि जो जीव ये आपके प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें जो है सौ पोशी यानी ऑटोट्रॉप्स जो है वो कहा जाता है तो आपका पे करेक्ट इसके मैं ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है तो तो भरतनाट्यम और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है और इन्हें जो उन्नीस सौ में, में पद्म भूषण और 2003 में जो है पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था और देखिए पद्म भूषण और पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली जो है ये सबसे कम उम्र की जो है ये प्राप्त करता है तो आपके ऑप्शन में या तो पद्म भूषण दिया गया होगा या फिर पद्म विभूषण दिया गया होगा तो इनमें से जो भी दिया गया होगा वो वो आपका आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि जम्मू कश्मीर में कौन सा लोक नृत्य जो प्रचलित है तो देखिए ये जो आपका राउफ जो नृत्य है ना ये जम्मू कश्मीर में जो है वो प्रसिद्ध है तो राउफ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दू कि जम्मू कश्मीर के अन्य लोक नृत्य जैसे कि डमहल हिकत मांडज कुद दांडी नाच और दमाली ये सब जो आपके जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ पर था कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे तो देखिए जैन धर्म के जो आपके टोटल चौबीस तीर्थंकर थे और जैन धर्म के जो चौबीसवें तीर्थंकर थे ना ये भगवान महावीर थे तो भगवान महावीर आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले आपके भगवान महावीर का जन्म ये जो है कहाँ पर हुआ था तो ये आपका वैशाली के कुंडल कुंडलपुर में हुआ था इनके मोक्ष स्थान के बारे में पूछा जाता है तो देखिए भगवान महावीर का जो मोक्ष स्थान है ना ये आपका पावापुरी में है और भगवान महावीर का बचपन का नाम पूछा जाता है तो देखिए भगवान महावीर के जो बचपन का नाम था ना ये आपके वर्धमान था इसके अलावा बात कर ले जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के बारे में पूछा जाता है तो देखिए जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे ना ये आपके जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप रहा था कि हु वाज द फर्स्ट एक्ट्रेस टू गेट पद्मश्री यानी पद्मश्री पाने वाली जो है पहली अभिनेत्री कौन थी तो देखिये नरगी जो कि उन्नीस में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और ये जो है पद्मश्री पाने वाली पहली अभिनेत्री जो है ये थी तो नरगिस दत्त आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे तो देखिए ये जो आपके विश्वनाथन आनंद थे ना जो कि चेस प्लेयर हैं और ये जो है पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले ये जो है पहले खिलाड़ी थे तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा इसके अलावा ये जो आर्तिक गुप्ता साहा है ना ये पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा इसके अलावा ये जो आपका मैरी कॉम है ये पद्म विभूषण जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पढ़ाया था कि वर्तमान राज्यसभा के सभापति कौन है तो देखिए राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं ना वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति होते हैं और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है तो देखिए 11 अगस्त 2022 से भारत के जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है ना ये जगदीप धनखड़ है तो जगदीप धनखड़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ली जगदीप धनखड़ ये जो है कितने नंबर के उपराष्ट्रपति हैं तो ये चौदवें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आता है कि राष्ट्रीय पोषण अभियान ये जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था तो देखिए राष्ट्रीय पोषण अभियान को जो है ये आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था और इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 मार्च 2018 को जो है राजस्थान के झुंझुनू जिले से जो है इसे शुरू किया गया था तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पोषण माह हर वर्ष जो है आपके कौन से महीने में मनाया जाता है तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पोषण अभियान के तहत हर साल सितंबर के महीने में जो है राष्ट्रीय पोषण माह जो है वो मनाया जाता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आपका आप कि कौन सा अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक्स का जो है ये प्रकार है तो देखिए बलुआ पत्थर चुन्ना पत्थर ये सब जो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के जो है ये आपके एग्जांपल है तो बलुआ पत्थर या चुना पत्थर जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि औषादी चट्टान को जो है वो आपका द्वितीय चट्टान भी कहा जाता है इसके अलावा आग्नेय चट्टान की बात कर लें तो ये आपका मैग्मा और लावा के जमने से जो आपका चट्टान का निर्माण होता है ना वो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है और आग्नेय चट्टान के उदाहरण की बात कर लें तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये सब जो है आपके आग्नेय चट्टान के उदाहरण है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है कि किसी सभा संसद या फिर सीमित या फिर कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की जो संख्या है ना उसे जो है क्या कहा जाता है तो देखिए किसी भी सभा संसद या सीमित या कार्यकारिणी की बैठक में आपका जो न्यूनतम आवश्यक जो सदस्यों की संख्या होती है ना उसमें संख्या के कुल सदस्य संख्या का एक बटा दस जो है वो आपके सदस्यों की संख्या होना जो है वो अनिवार्य है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पोंगल ये जो है किस क्षेत्र में मनाया जाता है तो देखिए ये जो आपका पोंगल त्योहार है ना ये तमिलनाडु का एक फसल त्योहार है जो कि आपका जनवरी फरवरी महीने में जो ये आपका मनाया जाता है और ये आपका दक्षिणी क्षेत्र में मनाया जाता है तो दक्षिणी क्षेत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रकूट के राजा दंथी दुर्ग के अनुसार तख्ता पलट के दौरान किया गया अनुष्ठान को जो वो क्या कहते थे तो देखिए दंथी दुर्ग के अनुसार जो आपका तख्ता पलट के दौरान जो अनुष्ठान किया जाता था ना उसे जो है हिरण्य गर्भ यानी स्वर्ण गर्भ जो है वो कहा जाता था तो हिरण्य गर्भ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि तराइन के दूसरे युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था तो देखिए तराइन का जो आ, दूसरा जो युद्ध है ना ये आपका ग्यारह सौ बिरानवे ईस्वी में लड़ा गया था जो कि आपका पृथ्वीराज चौहान जिन्हें जो है पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है और ये आपका मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था तो पृथ्वीराज चौहान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले तराइन का प्रथम युद्ध ये जो है कब लड़ा गया था तो देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध है ना ये आपका ग्यारह सौ इक्यानवे ईस्वी में लड़ा गया था और ये आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की जो है वो जीत हो गई थी और मोहम्मद गौरी जो है वो हार गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका तराइन का मैदान है ये कहाँ पर स्थित है तो ये आपका हरियाणा के करनाल और थानेश्वर जिले के बीच में स्थित है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइगर टाइगर उपन्यास उपन्यास के लेखक कौन है तो दवाई टाइगर है तो देखिए जो ना ये अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है और इसी पुस्तक के लिए अरविंद अडिगा को जो है 2008 का मैन बुकर पुरस्कार जो है वो दिया गया था इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अरविंद अडिगा मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले जो है ये चौथे भारतीय मूल के लेखक हैं इनसे पहले सलमान रसूदी अरुंधति रॉय और किरण देसाई को जो है मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था तो अरविंद अडिगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये जो नारा है ना ये किसने दिया था तो देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये जो नारा है ना ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था तो सुभाष चंद्र बोस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले अन्य प्रसिद्ध नारे के बारे में जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि आराम हराम है ये जो नारा ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो का जो नारा है ना ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था जय हिंद का जो नारा ये आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था वंदे मातरम का जो नारा ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया था जय जवान जय किसान का जो नारा है ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था करो या मरो का जो नारा ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये जो आपका राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था इसके अलावा वेदों की और लौटो का जो नारा है ना ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था पूर्ण स्वराज का जो आपका नारा है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा ये आपका भगत सिंह के द्वारा दिया गया था साइमन कमीशन वापस जाओ ये जो नारा ये आपका लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था दिल्ली चलो का जो नारा ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुसता हमारा ये जो नारा है ना ये इकबाल के द्वारा दिया गया था तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद यंत्र से है तो देखिए पंडित रविशंकर का जो संबंध है ना ये सितार यंत्र से है तो सितार यंत्र आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंडित रविशंकर को 1999 में जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उन्नीस में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और उन्नीस में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा प्रमुख सितार वादक की बात कर ले तो शाहिद परवेज खान वंदे हसन उमा शंकर मिश्र बुद्धादित्य मुखर्जी अनुष्का शंकर शंकर भट्टाचार्य निखिल बनर्जी विलायत खान मुश्ताक अली खान इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके सितार वाद्य यंत्र से है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है तो देखिए बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती है तो ये आपका ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी गोदावरी महानदी गंगा ये सभी जो नदियां है ना ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरता है तो इनमें से आपका तीन तो ऑप्शन में दिया गया था इसके अलावा अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात कर ले तो सिंधु नदी नर्मदा नदी ताप्ती नदी साबरमती नदी माही नदी पेरियार नदी मांडवी नदी जुआरी नदी ये सभी जो नदियां है ना यह आपका अरब सागर में गिरता है और ऑप्शन में आपका एक ताप्ती नदी दिया गया था तो देखिए ये जो आपका ताप्ती नदी है ना ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है तो ताप्ती नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर जो है असम में स्थित है तो देखिये ये जो आपका कामाख्या मंदिर है ना यह आपका असम में स्थित है तो, तो कामाख्या मंदिर आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका असम, ये जो आपका अम्बुबाची जो मेला लगता है ना ये आपका मंदिर में ही लगता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता की अठारह के भारतीय विद्रोह के बाद जो है किस अंतिम मुगल सम्राट को अंग्रेजों के द्वारा जो है बर्मा में जो वो निर्वासित कर दिया गया था तो देखिए अठारह के भारतीय विद्रोह के बाद जो है ये आपका बहादुर शाह जफर जिन्हें बहादुर शाह भी कहा जाता है और इनको जो है अंग्रेजों के द्वारा ये जो जो आपका बर्मा, जो कि आपका बर्मा कि म्यांमार में है यहाँ पर जो इन्हें भेज दिया गया था तो बहादुर शाह दि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि युद्ध के हिंदू देवता भगवान मुर्गन की जो पूजा के दौरान जो है ना ये कौन सा नृत्य जो है वो किया जाता है तो देखिए ये जो आपका कावड़ी अटम है ना एक औपचारिक बलिदान है और ये जो है भक्तों के द्वारा युद्ध के हिंदू देवता भगवान मुर्गन की पूजा के दौरान जो है इस नृत्य को जो वो किया जाता है और किस त्यौहार पर किया जाता है तो देखिए ये जो आपका नृत्य है ना ये आपका थाई पुषम त्यौहार पर जो वो किया जाता है और थाई पूषम जो त्योहार ये किस राज्य का त्यौहार है तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है तो कावड़ी आटम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले कावड़ी आटम ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का एक लोक नृत्य है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स दो का जो पांचवा संस्करण है ना ये किस राज्य में आयोजित किया गया था तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो पांचवा संस्करण है ना यह आपका मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के आठ शहरों के कुल 11 अलग अलग स्थानों पर जो है इस इवेंट का जो है आयोजन वो किया गया था तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके एग्जाम में एक, एक प्रश्न और पूछा जाता कि मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया गया था तो यह आपका आठ शहरों में आयोजित किया गया था इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की की पदक तालिका बात कर ले। तो इसमें जो पहले स्थान पे आपका राज्य रहा था ये आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था महाराष्ट्र ने जो टोटल एक पदक जीते थे जिसमें छप्पन गोल्ड पचपन जो था वो सिल्वर था और पचास जो था वो आपका कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल था सेकेंड स्थान पे आपका हरियाणा राज्य रहा था हरियाणा ने जो टोटल 128 पदक जीते थे और थर्ड स्थान पे आपका मध्य प्रदेश राज्य रहा था मध्य प्रदेश ने जो टोटल 96 मेडल जीते थे इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले जो है किस नाम से जाना जाता था तो देखिये खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले जो है यह आपका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण हुआ था ना ये आपका 2018 में हुआ था और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था तो ये आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ना ये आपका खेलो खेलो इंडिया खेल का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा जो है इसका जो है वो किया जाता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पाता था की विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था तो देखिए विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 का जो 18वां संस्करण हुआ था ना ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के जो है यूजीन और शहर में जो है ये आपका आयोजित किया गया था तो आपका देश पूछा गया था तो यूएसए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप दो में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा था

फेका था तो 88.13 मीटर जो है भाला फेंक कर ये जो है नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप रहा था कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को जो है मनोनीत करते हैं तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में अनुच्छेद 80 ए के तहत आपके जो है 12 सदस्यों को जो वो मनोनीत करते हैं तो बारह सदस्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपका राज्यसभा है ना ये भारत के संसद का जो है ऊपरी सदन जो है इसे कहा जाता है और निचला जो सदन होता है ना इसे जो है लोकसभा कहा जाता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है ना तो ये आपका 250 होता है और वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं तो देखिए वर्तमान में राज्यसभा में जो आपके 245 सदस्य हैं जिसमें जो आपके 233 सदस्य होते हैं ना ये आपके विधानसभा सदस्यों के द्वारा जो है इन्हें चुना जाता है और बारह जो है ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा कला साहित्य ज्ञान और सेवाओं में उनके योगदान के लिए जो है इन्हें नामित किया जाता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चनता है ना ये किस देश के संविधान से लिया गया है तो देखिए भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है ना ये आपका ब्रिटिश संविधान यानी इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है तो ब्रिटेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले ब्रिटेन ब्रिटिश संविधान से और कौन कौन सी विशेषताएं ली गई है जैसे कि संसदीय सरकार विधि का शासन विधायी प्रक्रिया एकल नागरिकता कैबिनेट प्रणाली विशेषाधिकार रिट संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता ये सभी जो आपके विशेषता है ना ये आपके ब्रिटेन देश के संविधान से लिए गए हैं तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप यहाँ बताया था कि कौन सा विटामिन आंखों की रोशनी के लिए जो है वो जरूरी होता है तो देखिए ये जो आपका विटामिन ए है ना ये आंखों की रोशनी के लिए जरूरी होता है तो विटामिन ए आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो देखिए विटामिन ए की कमी से जो ये आपका रतौंधी नामक बीमारी होता है इसके अलावा विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो देखिए विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है ना ये आपका रेटिनॉल होता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पता था कि हु इज द क्वीन ऑफ भरतनाट्यम यानी भरतनाट्यम की रानी के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है तो देखिए भरतनाट्यम की रानी के रूप में जो है ये बाला सरस्वती को जाना जाता है तो बाला सरस्वती आपका करेक्ट आंसर होगा और ये जो आपका भरतनाट्यम है ना ये तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है और भरतनाट्यम नृत्य को जो है एक हारे के एक हारे के रूप में जो है इसे जाना जाता है और भरतनाट्यम का जो पुराना नाम था ना यानी इसे पहले जो है सधीर अटम के नाम से भी जो है वो जाना जाता था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पड़ा था कि कॉटन फॉर इट्स ग्रोथ रिक्वायर्ड हाउ मैनी वृद्धि के लिए जो है कितने ठंड मुक्त, तो कि मुक्त दिनों की जो है आवश्यकता होती है तो 210 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूं की ये जो आपका कपास यानी कॉटन जो है ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है और भारत में जो ये आपका खरीफ फसल के रूप में जो है इसे उगाया जाता है इसके अलावा कॉटन के बारे में आपका तापमान पूछा जाता है तो देखिए कपास को 21 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच समान रूप से जो है उच्च तापमान की जो है वो आवश्यकता होती है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आता है कि जनगणना अधिनियम ये जो है किस वर्ष बनाया गया था तो देखिए जनगणना अधिनियम जो है ये आपका पहली बार 1948 में बनाया गया था तो 1948 आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इन विच प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन जो है, बच्चों की और जो है ना, इसको पारित किया गया था तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2015 का जो किशोर न्याय आपका बच्चों की देखभाल और संरक्षण जो संशोधन था ना इसमें जो आपका संशोधन है ये आपका 2021 में जो है इसे पारित किया गया था तो 2021 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अशोक के शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य में जो है प्रमुख राजनीतिक केंद्र ये जो है कितने थे तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मौर्य साम्राज्य में जो है आपके पांच प्रमुख जो है राजनीतिक केंद्र थे जिनमें राजधानी जो था यह आपका पाटलिपुत्र था और प्रांतीय केंद्र जो आपके शामिल थे ये आपके तक्षशिला उज्जैन तोसली और स्वर्णगिरी ये सब जो आपके प्रांतीय केंद्र जो है वो शामिल थे तो पांच आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि चौरी चौरा जो घटना है ना ये कब हुआ था तो देखिए चौरी चौरा जो घटना है ये आपका चार फरवरी उन्नीस को हुआ था तो चार फरवरी उन्नीस आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि त्रिपुरा में चौदह देवताओं और धरती माता की पूजा हेतु कौन सा उत्सव जो है ये मनाया जाता है तो देखिए त्रिपुरा में चौदह देवताओं और धरती माता की पूजा के लिए जो है ये आपका खर्ची पूजा मनाया जाता है तो खर्ची पूजा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर लीजिए जो आपका खर्ची पूजा है ये त्रिपुरा में किस महीने में मनाया जाता है तो ये आपका जुलाई या अगस्त महीने में मनाया जाता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पाया था कि वह पौधा जिसमें फल और फूल दोनों होते हैं ये जो है किस वर्ग में आते हैं तो देखिए वह पौधा जिसमें फल और फूल दोनों होते हैं ना ये जो आपके आवर्त बीजी यानी एनजीओसपर्म वर्ग में आते हैं तो एनजीओसपर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पड़ा था अत्यधिक विद्युत धनात्मक यानी जो आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो एलिमेंट होते हैं ना वो आपके क्या कहलाते हैं तो देखिए ये जो आपके क्षारिय धातु होते हैं ना यानी जो आपके अल्कली मेटल्स होते हैं जिन्हें जो है ग्रुप वन का जो एलिमेंट होता है उन्हें जो है क्षारिय धातु कहा जाता है और ये जो आपके अत्यधिक विद्युत धनात्मक यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं तो आपका अल्कली मेटल्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ग्रुप वन का जो एलिमेंट होता है जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाओगे ना तो ऊपर से नीचे की ओर जब जब नीचे जो सबसे ज्यादा होता है ना वो आपका नीचे जो होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है इसलिए सीजियम जो होता है ना ये सबसे अधिक पॉजिटिव जो है वो तत्व के रूप में जाना जाता है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके अधातु होते हैं ना यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जो है इसे जाना जाता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है और सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है तो देखिए सबसे जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है ना ये आपका फ्लोरिन होता है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जब वे गैस चट्टान और धूल के कॉस्मिक जो स्नोबॉल होते हैं ना जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें जो है क्या कहा जाता है तो देखिए जमे हुए गैस चट्टान और धूल के कॉस्मिक जो स्नोबॉल होते हैं ना जो सूर्य की परिक्रमा परिक्रमा करते हैं उन्हें जो है धूम केतु यानी पूछल्ला तारा जिसे इंग्लिश में जो है कॉमेट कहा जाता है तो धूम केतु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आप आता कि भारत किस देश के साथ जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है तो देखिए भारत बांग्लादेश के साथ जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है और कितने किलोमीटर करता है तो ये आपका चार हजार छियानवे किलोमीटर करता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा बात कर ले भारत के कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है तो देखिए भारत के भारत के जो ये आपका वेस्ट बंगाल जो राज्य है ना ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और कितने किलोमीटर करता है तो ये आपका दो हजार दो सौ सोलह किलोमीटर करता है उसके बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है ये आपका त्रिपुरा राज्य करता है इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत सॉरी बांग्लादेश के साथ भारत के कौन से राज्य जो है आ, सीमा साझा करते हैं तो देखिए बांग्लादेश के साथ भारत के टोटल पांच राज्य जो है वो सीमा साझा करते हैं और वो पाँच राज्य कौन कौन से हैं तो पहला आपका वेस्ट बंगाल सेकेंड असम थर्ड आपका मेघालय फोर्थ आपका त्रिपुरा और पाँचवा आपका मिजोरम ये पाँच राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत का जो लैंड बॉर्डर है ना ये आपका 15,106 किलोमीटर है और कोस्ट लाइन जो आपका बॉर्डर है यानी जो तटीय सीमा है ना ये आपका 7,516 किलोमीटर है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा तो बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश के बाद चाइना जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है सेकंड स्थान पे अगर पूछा जाए तो ये आपका चाइना करता है चाइना कितने किलोमीटर करता है तो ये आपका तीन हजार चार सौ अट्ठासी किलोमीटर करता है उसके बाद आपका पाकिस्तान जो है सीमा साझा करता है तीन हजार तीन सौ तेईस किलोमीटर करता है उसके बाद नेपाल एक हजार सात सौ इक्यावन किलोमीटर करता है उसके बाद म्यांमार जो आपका एक हज़ार छः सौ तैतालीस किलोमीटर करता है उसके बाद जो आपका भूटान 699 किलोमीटर करता है और अफगानिस्तान जो 106 किलोमीटर की जो सीमा है वो साझा करता है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर 2022 को जो है रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत कितने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो है इसका उद्घाटन किया गया है तो देखिए अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 600 प्रधानमंत्री किसान केंद्र स्मृद्धि केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया है तो 600 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अगर मंत्रालय पूछा जाए कि किस मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री किसान स्मृदि केंद्र का जो उद्घाटन किया गया है तो ये आपका रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत किया गया है तो ये फैक्ट फैक्ट्री आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला जो है भारत विश्व का पहला देश बन गया पुस्तक के लेखक कौन है तो देखिए ये जो आपका के नटवर सिंह की आत्मकथा है और ये जो पुस्तक है ना ये आपका 2014 में प्रकाशित हुआ था तो के नटवर सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कप इसकी जो शुरुआत है ये कब हुई थी तो देखिए डूरेंट कप का जो पहला टूर्नामेंट है ना ये आपका शिमला में खेला गया था और ये जो आपका 1888 में खेला गया था यानी डूरेंट कप की जो शुरुआत है ना ये आपका 1888 में हुआ था तो 1888 आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर लें ये जो आपका डूरेंट कप है ये किस खेल का टूर्नामेंट है तो ये आपका एक फुटबॉल खेल का टूर्नामेंट है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा बात कर ले 2022 का कप ये जो है किसने जीता है तो देखिए 2022 के डूरेंट कप का जो फाइनल मैच है ना ये आपका बेंगलुरु एफसी और आपका मुंबई एफसी के मध्य जो वो खेला गया था जिसमें बेंगलुरु एफसी ने जो है फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हरा कर जो है अपना पहला डूरेंट कप जो है वो जीत लिया यानी विजेता टीम कौन रहा है तो ये आपका बेंगलुरु एफ रहा है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ग्यारह की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये किस राज्य का रहा है तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी ना उससे उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है ना ये बिहार राज्य रहा है और बिहार का जो जनसंख्या घनत्व रहा था वो आपका एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले सबसे कम अगर पूछा जाए जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा रहा था तो देखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य रहा था ना ये अरुणाचल प्रदेश रहा था और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना रहा था तो ये सत्रह व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा इसके अलावा अगर ओवरऑल बात कर ले अगर पूछा जाए कि ओवरऑल में यानी यूटी और राज्य में जनसंख्या घनत्व तो जो है सबसे ज़्यादा किसका रहा था तो ये आपका दिल्ली यूटी का रहा था दिल्ली का जो आपका जनसंख्या घनत्व तो है ना ये आपका ग्यारह हज़ार तीन सौ बीस व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था उसके बाद दूसरे स्थान पे जो आपका चंडीगढ़ रहा था वहीं अगर भारत की बात कर ले तो देखिए भारत का जो जनसंख्या घनत्व तो है ना ये तीन प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पड़ा था यानी वर्षा का जो मापन है ना ये किस यंत्र का जो है वो प्रयोग किया जाता है तो देखिए वर्षा को मापने के लिए जो है ये आपका रेन गॉज का जो है प्रयोग किया जाता है तो रेन गॉज आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पड़ा था कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना ये जो है किसने की थी तो देखिए आठवीं शताब्दी में जो है राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है ना ये दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था तो दंती आपका यहाँ पे आपका पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर था कि एक फोर्स जिसके कारण चलती हुई वस्तुएं यानी हवा और पानी का जो प्रवाह है ना ये उत्तरी गोलार्ध में दाई की ओर झुकता है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये आपका बाएं की ओर जो वो झुकता है तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न बल को जो है कॉरेसिसिस बल के रूप में जो है वो जाना जाता है और ये जो आपका कॉरेसिस जो फोर्स होता है ना ये उत्तरी गोलाद में दाएं दिशा में जो है और दक्षिणी गोलाद में जो है ये आपका बाई और जो है हवा को विक्षेपित करता है तो कॉरियोलिश फोर्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आप पर आता है कि मेलोडी क्वीन के नाम से ये जो है किसे जाना जाता है तो देखिए मेलोडी क्वीन के नाम से जो है ये लता मंगेशकर को जाना जाता है इसके अलावा वाइस ऑफ द मिलेनियम के नाम से भी जो है वो लता मंगेशकर को जाना जाता है और लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था तो ये आपका 2001 में सम्मानित किया गया था इसके अलावा ठुमरी की रानी के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है तो देखिए ठुमरी की रानी के रूप में जो है ये गिरिजा देवी को जाना जाता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आता था कि वी सत्यनारायण शर्मा ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है तो देखिए वेदांतम सत्यनारायण शर्मा का जो संबंध है ना ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर कुचिपुड़ी ये ये जो है है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य तो आपका आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है इसके अलावा वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को जो है उन्नीस में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से जो वो सम्मानित किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर था कि द स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड सब्स इज कॉल्ड यानी पेड़ों और झाड़ियों की खेती के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है तो देखिए पेड़ों और झाड़ियों की खेती के अध्ययन को जो है ये आपका कल्चर यानी वृक्ष संवर्धन कहा जाता है तो अर्बोरिकल्चर आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर टोक्यो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने जो है टोटल कितने पदक जीते थे तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने जो है टोटल सात पदक जीते थे जिसमें एक गोल्ड दो सिल्वर मेडल और फोर जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था तो सात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि टोक्यो ओलंपिक दो में भारत जो है अड़तालीसवें स्थान पर रहा था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा भारत की तरफ से जो सात मेडल जीते थे उनका वर्ग जो आप ध्यान में रखिएगा और कौन कौन जीते थे ये भी आप ध्यान में रखिएगा तो देखिए मीराबाई चानू जो है उनचास किगरा वेट लिफ्टिंग में जो है ये सिल्वर मेडल जीती थी लवलीना बोर्गियान जो है वुमेंस वेल्टर वेट बॉक्सिंग में जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीती थी पीवी सिंधु की बात कर ले तो ये आपका बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी इसके अलावा रवि कुमार दहिया मेंस फ्री स्टाइल फिफ्टी सेवन में जो है ये सिल्वर मेडल जीते थे भारतीय हॉकी टीम के द्वारा जो है ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था बजरंग पूनिया ने जो है 65 रेसलिंग में जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीते थे नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता गया था तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि व्हाट इज द सरचार्ज ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी

तो सात फीसदी आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप रहा था कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है तो देखिए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है ये आपका अनुच्छेद २९ से ३० में वर्णित है तो अनुच्छेद २९ और ३० आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां आप पर था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान ये जो है भारत के किस दिशा में स्थित है तो देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये जो दो देश है ना ये भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है तो नॉर्थ वेस्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां आप पर था कि मोतीलाल नेहरू चित्रंजन दास सी राजगोपालचारी, आसिफ अली ये सब जो आपके प्रमुख जो नेता थे ना इन्होंने किस आंदोलन के दौरान अपनी जो वकालत है ना वो छोड़ दी थी तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मोतीलाल नेहरू सी आर दास सी राजगोपालचारी, आसिफ अली ये सब जो प्रमुख वकील थे ना इसने अपनी वकालत जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो वो छोड़ दिए थे तो असहयोग आंदोलन आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बताता है कि कलिंग का वर्तमान समय में क्या नाम है तो देखिए कलिंग का जो वर्तमान समय में नाम है ना यह आपका ओडिशा है तो ओडिशा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आधुनिक कलिंग राज्य जो है यह आपका ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तर में भी है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा कलिंग का जो युद्ध है ना ये आपका कलिंग राज्य और अशोक के मध्य दो ईसा पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध जो है वो लड़ा गया था तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पड़ा था कि 1875 में दक्कन का जो विद्रोह है ना ये कहाँ पर हुआ था तो देखिए 1875 में मई और जून के महीने में जो है दक्कन का जो विद्रोह है ना ये आपका महाराष्ट्र के पुणे और सतारा जिलों में जो है ये आपका हुआ था तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले दक्कन विद्रोह का जो उद्देश्य क्या था तो ये आपका साहूकारों के कब्जे फरमानों और अन्य दस्तावेजों को जो है प्राप्त करना था और उसे जो वो नष्ट करना था तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर था कि किस शैली के मंदिर के प्रवेश द्वार को जो है गोपुरम के रूप में भी जो वो जाना जाता है तो देखिए ये जो आपके द्रविड शैली के जो मंदिर बने हुए हो, होते थे ना उनमें जो है प्रवेश द्वार को जो है गोपुरम के रूप में जो है वो जाना जाता था तो द्रविड शैली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले द्रविड शैली ये जो है कहाँ की शैली है तो देखिए ये जो आपका द्रविड़ शैली है ना ये आपका दक्षिण भारत की शैली है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पड़ा था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस यानी कथक का जो केंद्र है ना ये कहाँ पर स्थित है तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस ये जो आपका नई दिल्ली में स्थित है और इसे जो उन्नीस में स्थापित किया गया था तो नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय जो संस्थान है ना ये भी आपका नई दिल्ली में स्थित है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उगादी ये जो है किस हिंदू माह में मनाया जाता है तो देखिए उगादी जो पर्व है ना ये आपका चैत्र माह यानी अप्रैल के महीने में मनाया जाता है तो चैत्र माह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उगादी जो उत्सव है ना ये आपका दक्षिण भारत में नए साल के रूप में जो है इस उगादी त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है और ये जो आपका उगादी त्यौहार है ना ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश कर्नाटक और तेलंगाना राज्य में जो है ये मनाया जाता है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आप पता कि भारत में बेटियों के लिए संपत्ति में जो अधिकार के लिए किस अधिनियम में जो है ये संशोधन किया गया था तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 में जो है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में ये जो है जो है है संशोधित किया वो किया गया था जिसमें बेटियों को माता पिता की जो प्रॉपर्टी में है ना ये बराबर का हिस्सा जो है वो दिया गया है तो हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम दो आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पड़ा था कि किस प्रकार की सिंचाई में पौधे के साथ जमीन पर जो है उत्सर्जकों के साथ ट्यूबिंग रखना जो वो शामिल है जिसमें उत्सर्जक धीरे धीरे पानी को जो है जड़ और क्षेत्र में मिट्टी में जो वो टपकाते हैं तो देखिए ये जो आपका ड्रीप सिंचाई होता है ना इसमें जो है पौधे के साथ जमीन पर उत्सर्जकों के साथ जो है ये ट्यूबिंग रखना जो है वो शामिल है तो ड्रीप सिंचाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वाट अलाउ लाइट टू पास थ्रू बट विजिबल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल यानी ऐसा कौन सा माध्यम है जो प्रकाश को जो है वो गुजरने देता है लेकिन दूसरी तरफ जो है स्पष्ट और विशिष्ट चित्र जो है वो नहीं दिखाई देती है तो देखिए ऐसे माध्यम को जो है ये आपका ट्रांसल्यूशेंट यानी पारभाषी जो है वो कहा जाता है जिसमें प्रकाश को तो गुजरने देता है लेकिन उसके पीछे भाग को जो है स्पष्ट और विशिष्ट चित्र जो है वो नहीं दिखाई देता है तो पारभाषी आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अपराधा कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें जीवित पौधे अपना वायु भागो जैसे पत्तियों हरिप्रो आदि के द्वारा जो आंतरिक उत्को से अतिरिक्त पानी को जो वाष्प के रूप में जो है ये बाहर निकालते हैं तो देखिए रंध्र जिसमें जीवित पौधे जो है अपना वायु भाग जैसे पत्ती हरे प्रारोह आदि के द्वारा आंतरिक उत्को से जो है ये अतिरिक्त पानी को जब वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं और ऐसी प्रक्रिया को जो है आपका ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पो उत्सर्जन कहा जाता है तो वाष्पो उत्सर्जन आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आया था कि भारत के किस सिविल इंजीनियर के नाम से जो है पंद्रह सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में जो वो मनाया जाता है तो देखिए मोच गुंडम विश्व सराया के 15 सितंबर के जन्मदिन के दिवस के रूप में जो है भारत में प्रतिवर्ष अभियंता दिवस यानी इंजीनियरिंग डे के रूप में जो वो है वो मनाया जाता और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके मोच गुंडम विश्व सराया है ना ये भारत के प्रथम सिविल इंजीनियर थे तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है तो विश्व सराया आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आप पड़ा था कि पहल योजना ये जो है किससे संबंधित है तो देखिए पहल योजना की बात कर ले तो ये आपका एल सब्सिडी से संबंधित है और इस योजना की जो शुरुआत है ना ये 2013 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा जो है इस योजना को जो वो शुरू किया गया था तो एल सब्सिडी आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा अगर उज्ज्वला योजना की बात कर ले तो देखिए उज्जवला योजना जो ये आपका एल कनेक्शन वितरण से संबंधित है और उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत है ना ये आपका एक मई दो को जो वो किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना क्वेश्चन आया था कि कुमारी कमला ये जो है किस नृत्य से संबंधित है तो देखिए कुमारी कमला का जो संबंध है ना ये कथक शास्त्रीय नृत्य से है तो कथक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले कथक ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है इसके अलावा कुमारी कमला को जो है पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था तो देखिए कुमारी कमला को 1970 में पद्म भूषण पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पर था कि दीपक मजुमदार को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड ये जो है कब दिया गया था तो देखिए दीपक मजुमदार को जो है 2018 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था तो 2018 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पड़ा था कि अन्नपूर्णा देवी ये जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाती है तो तो देवी की बात कर ले। तो ये करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा अन्नपूर्णा देवी का जो है मूल नाम पूछा जाता है तो देखिए अन्नपूर्णा देवी का जो मूल नाम था ना ये आपका रोशनारा खान था इसके अलावा अन्नपूर्णा जो नाम है इन्हें किसके द्वारा दिया गया था तो देखिए मेहर एस्टेट के महाराजा ब्रिजनाथ सिंह के द्वारा जो है अन्नपूर्णा देवी को अन्नपूर्णा का जो वो नाम दिया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका आप यहां पर बास्केटबॉल में एक टीम में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं तो देखिए बास्केटबॉल गेम की बात कर ले तो एक टीम में जो आपके पांच खिलाड़ी होते हैं तो पांच आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एन के नियमों के अनुसार बास्केटबॉल टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है ना वो आपके 12 खिलाड़ी होते हैं लेकिन जो आपके कोर्ट पर कितने खिलाड़ी खेलते हैं तो देखिए कोर्ट पर जो आपके पांच खिलाड़ी खेलते हैं और ये जो आपके सात खिलाड़ी होते हैं ना वो आपके सब्सटीट्यूट जो है वो होते रहते हैं जैसे कि क्रिकेट में आपके पंद्रह खिलाड़ी होते हैं लेकिन मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं तो मैदान पर जो आपके ग्यारह खिलाड़ी होते हैं तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा इसके अलावा बेसबॉल गेम की बात कर ले तो देखिए बेसबॉल में जो आपके, आपके पांच खिलाड़ी होते हैं इसके अलावा फुटबॉल सॉकर क्रिकेट या फिर हॉकी में आपके ग्यारह खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में सात खिलाड़ी होते हैं खो खो में नौ नेटबॉल में आपके सात पोलो में जो आपके चार खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल में आपके पंद्रह खिलाड़ी होते हैं ब्रिज में आपके दो खिलाड़ी आइस हॉकी में आपके छः खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में आपके छः खिलाड़ी मैदान पर होते हैं वाटर पोलो में जो आपके सात खिलाड़ी होते हैं तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मडेका जो कप है ना ये किस खेल से संबंधित है तो देखिए मडेका जो कप है ना ये आपका फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है और ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है तो देखिए मडेका कप जो है ये आपका मलेशिया में आयोजित किया जाता है तो फुटबॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इंडिया एट रिस्क मिस्टेक्स मिसकंसेप्शन एंड मिस एडवेंचर ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है तो देखिए इंडिया एट रिस्क पुस्तक ये जो आपका जसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है तो जसवंत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारत में प्रथम बार जो जनगणना है ना ये किस वर्ष में हुआ था तो देखिए भारत में प्रथम बार जो जनगणना है ना ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में में जो वो किया गया था तो आपका करेक्ट तो आंसर होगा इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में पहला नियमित जो जनगणना है ना ये कब हुआ था तो देखिए नियमित जो जनगणना है ये आपका लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में अठारह में जो ये शुरू हुआ था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है

पहली जनगणना कब हुआ था तो ये आपका उन्नीस में हुआ था तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप था कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन का 2022 में जो है नोबेल प्राइज जो है ये किसे दिया गया है तो देखिए मेडिसिन का 2022 में जो नोबेल प्राइज है ना ये स्वंत पाबो को दिया गया है तो स्वंत पाबो आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा साहित्य में यानी लिटरेचर में नोबेल प्राइज 2022 ये जो है किसे दिया गया है तो ये आपका एनी एरनेक्स को दिया गया है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा भौतिकी में आपका तीन व्यक्तियों को दिया गया है तो देखिए दो में भौतिकी का जो नोबेल प्राइज है ना ये आपके एल एस्पेक्ट जॉन एन क्लोजर एंटोन जिलिंगर इनको जो है भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया है केमिस्ट्री की बात कर ले तो देखिए रसायन में तीन व्यक्तियों को दिया गया है ये आपके कैरोलिन बटोरजी मार्टोन मेल्डल और बेरी सार्पलस इनको जो वो केमिस्ट्री में जो वो दिया गया है इसके अलावा अगर अर्थशास्त्र की बात कर ले तो अर्थशास्त्र में बेएन बे एन बे एस बनारके को डगलस एस डब्लू को डायमंड और फिलिप एच डाइबिक को जो वो दिया गया है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आता है कि 2022 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो है थीम पूछी गई थी तो देखिए 2022 हजार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो आपका विषय रहा था ना ये आपका योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए योग रहा था तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले 2021 का थीम क्या रहा था तो देखिए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021 का जो थीम है ना ये आपका योगा फॉर वेलनेस रहा था अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ये जो है कब मनाया जाता है तो प्रतिवर्ष जो है ये आपका 21 जून को मनाया जाता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है ये कब मनाया गया था तो देखिए पहली बार जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है ना ये आपका 2015 में मनाया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर आया था कि केंद्रीय बजट 2023 में 2023-24 में जो है भारत का सांकेतिक जीडीपी ये जो है कितने परसेंट की दर से जो है बढ़ने का जो अनुमान है ना वो लगाया गया है तो देखिए केंद्रीय बजट 2023 में 2023-24 में जो है भारत का सांकेतिक जीडीपी जो है ये 10.5 परसेंट की दर से बढ़ने का जो है अनुमान लगाया गया है तो 10.5 परसेंट आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा दो हज़ार की बात कर लें तो दो हज़ार में नॉमिनल जी का जो है 14.4 परसेंट की दर से जो है बढ़ने का अनुमान लगाया गया है इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर लें तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023 ने जी अनुमान लगाया है कि 2023-24 में भारत का जो जीडीपी होगा ना वो आपका 6 से लेकर 6.8 परसेंट बढ़ने का जो है वो अनुमान लगाया गया है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पर आप आता कि मध्यस्थता विधेयक 2021 यानी मेडिटेशन बिल 2021 के अनुसार मध्यस्थता की जो कार्यवाही है ना इसको कितने दिन तक जो है वो बढ़ाया जा सकता है तो देखिए मेडिटेशन बिल 2021 के अनुसार मध्यस्थता की जो कार्यवाही है ना वो 180 दिन यानी छः महीने तक जो वो बढ़ाया जा सकता है तो 180 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ आप रहा था कि नीति आयोग के पहले बहुयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार इसकी जनसंख्या में जो है गरीबी का जो वो उच्चतम दर पाया गया है तो देखिए नीति आयोग के पहले बहुयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो गरीब जनसंख्या वाला राज्य है ना वो आपका बिहार राज्य है तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा सेकंड पायदान की बात कर ले तो ये आपका झारखंड राज्य है और थर्ड पायदान पे जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है इसके अलावा बात कर ले सबसे कम गरीब वाला राज्य कौन सा है तो ये आपका केरल राज्य है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जूल का उष्मीय नियम जो है ये किससे संबंधित है तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जूल के उष्मीय नियम को जो है जूल का प्रथम नियम यानी जूल आ, लेंज नियम जो वो कहा जाता है और इस नियम के अकॉर्डिंग किसी विद्युत चालक के अंदर उसमें ऊर्जा उत्पन्न होने की दर उस चालक के प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंट एवं उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के गुणनफल का जो है समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो वो होता है आप मैथमेटिकल में पढ़े हुए मैथमेटिकल टर्म में कि एच इक्वल टू क्या होता है तो आई आर टी होता है और यही जो आपका जूल का उषमीय नियम है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आता है कि पेड़ पौधे में पत्ते के हरे भाग को जो है क्या कहा जाता है तो देखिए पेड़ पौधे में जो आपके हरे भाग होते हैं ना पत्ते के हरे भाग उसे जो है क्लोरोफिल या फिर हरित लवक कहा जाता है तो क्लोरोफिल आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले पत्ती की सबसे बाहरी वो क्या होती है तो इसे जो है एपिडर्मिस कहा जाता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये जो है किस जिले में है तो देखिए कंचनजंगा नेशनल पार्क की बात कर ले तो ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है और सिक्किम में भी जो है किस जिले में स्थित है तो सिक्किम में आपका मंगन डिस्ट्रिक्ट और आपका ग्ञालसिंह जिले में स्थित है तो इनमें से जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को जो है 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जो है इसे शामिल किया गया है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पा कि वावन जो बंदरगाह यानी जो आपका वधावन जो पोर्ट है ना ये कहाँ पर है तो देखिए वधावन पोर्ट की बात कर ले तो ये आपका महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट में है तो ये आपका पालघर जिले में है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पड़ा था कि एक वर्ष में होने वाले मौसमी परिवर्तन को जो है वो क्या कहा जाता है तो देखिए एक वर्ष में होने वाले जो मौसमी परिवर्तन होते हैं ना उसे जो है मानसून कहा जाता है तो मानसून आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वीपर बेल्ट ये जो है किस ग्रह के चारों तक जो है ये फैला हुआ है तो देखिए ये जो आपका क्विपर बेल्ट है ना ये आपका वरुण जिसे आप इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं इनके चारों तरफ जब वो फैला हुआ है तो वरुण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप कह है कि खजुराहो ये जो है किस राज्य में स्थित है तो देखिए खजुराहो की बात कर ले तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण है ना ये आठ एडी से लेकर एक एडी के मध्य जो है ये चंदेल वंश के द्वारा करवाया गया था तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा इसके अलावा खजुराहो के मंदिर को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उन्नीस में जो वो शामिल किया गया था तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर था कि केसरी जो न्यूज़पेपर था ना इसके संपादक यानी किसके द्वारा जो है वो शुरू किया गया था तो देखिए केसरी न्यूज़पेपर की बात कर ले तो ये आपका एक मराठी अखबार था जिसकी स्थापना 4 जनवरी 1881 में इसकी जो शुरुआत है वो आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है वो किया गया था तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले वंदे मातरम पत्रिका के बारे में तो देखिए वंदे मातरम पत्रिका के जो संपादक थे ना ये अरविंद घोष थे तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा इसके अलावा अल हिलाल पत्रिका के बारे में पूछा जाता है तो देखिए अल हिलाल जो न्यूज पेपर था ना ये भारतीय मुस्लिम स्वतंत्रता कार्यकर्ता मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था

हवा महल जो है ये किसने बनवाया था तो देखिए जयपुर का जो हवा महल है ना ये राजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था तो सवाई प्रताप सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा जयपुर हवा महल के इमारते में कितने मंजिले हैं ये पूछा जाता तो इसमें आपके पाँच मंजिले हैं और ये जो है किसके तर्ज पर बनाया गया था यानी जो हवा महल का जो निर्माण है ना ये किसके तर्ज पर जो है वो बनाया गया था तो ये आपका खेतड़ी महल यानी जो आपका राजस्थान में झुंझुनू जो महल है ना इसकी बनावट से प्रेरित होकर जो है सत्रह में जयपुर का हवा महल का जो निर्माण है ये राजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा हवा महल के वास्तुकार के बारे में पूछा जाता है तो देखिए हवा महल का जो डिज़ाइन है ना ये आपके लालचंद उस्ताद के द्वारा किया गया था और जयपुर के हवा महल में जो है कितने झरों के यानी जो आपके छोटी छोटी खिड़कियाँ ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो देखिए हवा महल में जो आपके नौ जो है वो खिड़कियाँ हैं तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था इलबर्ट बिल ये जो है किस समय जो है ये किस समय वासराय कौन था यानी जब इल्बर्ट बिल आया था ना उस समय भारत का वासराय कौन था तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अठारह में वासरा रिपन के कार्यकाल के दौरान जो है इलबर्ट बिल को जब वो लाया गया था और यही साथ प्रश्न पूछा गया था कि इलबर्ट बिल को जो कब लाया गया था तो अठारह गया था तो ये आपका रिपन के कार्यकाल के दौरान जो है ये लाया गया था तो वासरा में आपका लॉर्ड रिपन आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दू कि इलबर्ट बिल को जो है पारित कब किया गया था तो ये आपका पच्चीस जनवरी अठारह को जो है इसे पारित किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस अनुच्छेद के तहत सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर जो है अपनी पसंद के आधार पर अपनी शैक्षिक संस्था को जो है स्थापित करने का अधिकार है तो देखिए अनुच्छेद तीस एक के तहत जो है अपनी शैक्षिक संस्था को स्थापित करने का जो वो अधिकार प्रदान किया गया है तो अनुच्छेद तीस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दू कि अल्पसंख्यक समूहों की हितों की रक्षा करना ये जो आपका अनुच्छेद उन्तीस में बताया गया है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है तो ये जो आपका की है तो आपका यहाँ पे होगा. इसके अलावा महात्मा गांधी की आत्मकथा है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे यानी ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना ये किसके द्वारा किया गया था तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है की की तो सर्वोच्च कमांडर है ना ये कौन होता है तो देखिये तीन सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर है ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर था कि दो की जनगणना के अनुसार भारत का जो है घनत्व ये जो है कितना रहा था तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ना ये तीन प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था तो तीन आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो दशकीय वृद्धि दर यानी 2001 से लेकर जो है 2011 तक भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना रहा था तो ये आपका 17.72 परसेंट रहा था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र का जो है कौन सा स्थान था तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या में महाराष्ट्र जो है आपका दूसरे स्थान पे था तो दूसरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले सर्वाधिक जनसंख्या में पहले स्थान पे कौन सा राज्य था तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य था सेकंड पे आपका महाराष्ट्र था थर्ड पे आपका बिहार राज्य था और फोर्थ पे आपका पश्चिम बंगाल राज्य था वहीं अगर सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य की बात कर ले तो देखिए सबसे कम जो जनसंख्या था 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 ना ये आपका आपका सिक्किम राज्य राज्य का का उसके उसके बाद मिजोरम बाद अरुणाचल प्रदेश उसके बाद, बाद गोवा राज्य का था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप यहाँ पर था कि मेजर ध्यानचंद ये जो है किस खेल से संबंधित है तो देखिए मेजर ध्यानचंद की बात कर ले तो ये आपके भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे तो फील्ड हॉकी खिलाड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तीन बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला जो भारतीय हॉकी टीम था ना उसके जो है ये आपके सदस्य रहे थे और कब कब जो है भारतीय हॉकी टीम जब स्वर्ण पदक जीता था और वे जो है सदस्य रहे थे तो 1928 में 1932 में और 1936 में ये तीन बार जो है ये भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे थे तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है ना ये आपका जाता है राष्ट्रीय किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है तो ये मेजर ध्यानचंद के अवसर पर मनाया जाता है और कब मनाया जाता है तो ये आपका उन्तीस अगस्त को मनाया जाता है इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेजर ध्यानचंद को 1956 में जो है पद्म भूषण अवार्ड से भी जो है वो सम्मानित किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पर था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार ये जो है कौन से अनुच्छेद में वर्णित है तो देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद तेईस से चौबीस में वर्णित है तो तेईस और चौबीस आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा अनुच्छेद तेईस की बात कर ले तो इसमें आपका मानव तस्करी और जबरन श्रम पर जो वो आपका रोक जो है वो लगाया गया है इसके अलावा अनुच्छेद चौबीस की बात कर ले तो इसमें आपके कारखानों खान दुकान आदि में जो है चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों में को जो है रोजगार पर जो वो प्रतिबंध लगाया गया है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कितने वर्ष के कम उम्र के बच्चों को जो है कारखाने खान दुकान या फिर रोजगार पर जो है वो प्रतिबंध लगाया गया है तो चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अपना था कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ना ये कब लड़ा गया था तो देखिए पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ना ये आपका 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था और किन के मध्य लड़ा गया था तो ये आपका मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था तो 1761 आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा पानीपत के प्रथम प्रत्क युद्ध की बात कर ले तो देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ना ये आपका इक्कीस अप्रैल पंद्रह को बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया था पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ना ये पांच नवंबर पंद्रह को आपके जो है अकबर और हेमू के मध्य जो वो लड़ा गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर था कि कांग्रेस का गरम और नरम दल में जो विभाजन है ना ये कब हुआ था तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1907 में जो आपका सूरत में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जो है राजबिहारी बोस के द्वारा सॉरी घोष के द्वारा किया गया था इसमें जो है कांग्रेस नरम दल और गरम दल जो है वो आपके अलग हो गए थे तो 1907 का सूरत अधिवेशन आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है गरम दल तथा नरम दल को जो है फिर से एक साथ जो है वो एक मंच पर जो है वो लाया गया था तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था ना जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था और इसमें जो है गर्म दल और नरम दल को जो है एक साथ मंच पर जो है वो लाया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पा था कि छहत्तरवा जो गणतंत्र दिवस है ना यानी जो छहवा इंडिपेंडेंस डे है ये कब मनाया गया है तो देखिए जो इंडिपेंडेंस डे है ना ये 2022 में मनाया गया है तो 2022 आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि दो शीतकालीन ओलंपिक ये जो किस माह में आयोजित किया गया था यानी महीना जो आपसे पूछा गया था तो देखिए 2022 का 24वां का चौबीसवा शीतकालीन ओलंपिक है ना ये आपका 4 से 20 फरवरी गया, तो गया था 2022 बीजिंग ओलंपिक में जो है भारत के तरफ से दो अलग अलग इवेंट में जो है किसने जो है वो क्वालिफाई किया था तो देखिए भारत के तरफ से जो क्वालिफाई किए थे ना ये आरिफ खान ने क्वालिफाई किया था और कौन कौन से इवेंट में जो है क्वालिफाई किए थे तो इनका जो खेल था वो आपका अल्काइन स्कीयर था जिसमें अगर इवेंट की बात कर ले तो असलम और ज्वाइंट असलम में जो है इन्होंने जो है वो क्वालिफाई किया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था इसमें पदक तालिका में जो है पहले स्थान पे कौन सा देश रहा था तो ये आपका नॉर्वे देश रहा था नॉर्वे ने जो टोटल थर्टी सेवन मेडल जीते थे जिसमें सोलह गोल्ड आठ सिल्वर और तेरह जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था इसके अलावा 2026 शीतकालीन ओलंपिक की बात कर लें यानी 2026 का जो विंटर ओलंपिक्स होगा ना ये आपका मिलान और कॉटेनिया में ये जो आपका इटली में आयोजित किया जाएगा तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा 2024 का जो आपका समर ओलंपिक यानी जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ये कहां पर होगा तो ये आपका पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर आता है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये जो किस मंत्रालय की योजना है तो देखिए आयुष्मान भारत डिजिटल जो मिशन है ना ये आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का जो है ये योजना है तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पड़ा था कि राजस्थान का कौन सा जो वो लोक नृत्य है तो आपके ऑप्शन में जो घूमर दिया गया था तो देखिए ये जो आपका घूमर है ना ये राजस्थान का लोक नृत्य है तो घूमर आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कालबेलिया भवाई, शंकरिया पनियारी इंडोनी अग्नि नृत्य तेरा ताली गावरी सॉरी गवरी लुंगरिया घूमर घुड़ला घुड़ला ये सब जो आपके राजस्थान के लोक नृत्य हैं तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पा था कि अमरावती स्कूल कला को संरक्षण जो है ये किसके काल में जो है वो मिला था तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अमरावती स्कूल कला को जो संरक्षण है ना ये आपका सातवाहन वंश के द्वारा जो है वो दिया गया था और सातवाहन वंश के बाद जो है ये आपका इच्छाकू सॉरी इच्छवाकू के द्वारा जो है इसे संरक्षण दिया गया था तो आपके ऑप्शन में या तो सातवाहन वंश दिया गया होगा या फिर इच्छवाकू दिया गया होगा तो इनमें से जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका से संबंधित तो तो है तो तबला वादक आपका इसके मैं आपको बता दूं कि अल्लाह रखा खान महाराज किशन महाराज लतीफ खान सुखविंदर सिंह इन सभी का भी जो संबंध है ना ये तबला वाद्य यंत्र से है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ अपराधक की मोहे रंग दो लाल ये जो गाने में जो कोरियोग्राफी है ना ये किसके द्वारा किया गया था तो देखिए कोरियोग्राफी का मतलब जो होता है ना वो आपका डांस का स्टेप वगैरह जो सिखाते हैं उन्हें जो कोरियोग्राफी कहा जाता है और ये जो आपका मोहे रंग दो लाल ये जो आपका बाजीराव मस्तानी फिल्म का जो एक गाना था जिसमें इस गाने में कोरियोग्राफी जो है ये पंडित बिरजू महाराज के द्वारा किया गया था तो पंडित बिरजू महाराज आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले इस गाने को यानी मोहे रंग दो लाल गाने को जो है कंपोज किसने किया था तो देखिए कंपोज की बात कर ले तो इसे जो है संजय लीला भंसाली भंसाली के द्वारा जो है इसे कंपोज किया गया था और ये जो गाना यह किसके द्वारा गाया गया था तो ये आपका श्रेया घोषाल और पंडित बिरजू महाराज के द्वारा गाया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टी जो है पंडित बिरजू महाराज से लगातार प्रश्न पूछता है तो देखिए पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है ना ये आपका कथक नृत्य से है और इनके पिता और गुरु का नाम पूछा जाता है तो देखिए पंडित बिरजू महाराज के जो पिता और गुरु थे ना ये आपके अच्छे महाराज थे और अच्छे महाराज भी जो थे ये आपके कथक के डांसर थे इसके अलावा बात कर ले पंडित बिरजू महाराज ये जो है किस घराने से संबंधित है तो ये आपके लखनऊ के कालका दिन घराने से संबंधित है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज को उन्नीस में कौन सा अवार्ड दिया गया था तो देखिए पंडित बिरजू महाराज को उन्नीस में जो है ये आपका पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पर आप था कि आवर्त का कौन सा उदाहरण है तो देखिए आवर्त होता क्या है कि ऐसे फल और फूल जो आपके ढके हुए अवस्था में रहते हैं उन्हें जो आवर्त बीज यानी एनजीओ स्पर्म कहा जाता है और एनजीओ स्पर्म के अगर उदाहरण की बात कर ले तो गुलाब लीली ब्रोकोली केल पेटूनिया बैंगन टमाटर मिर्चा गन्ना आम सेव केला इसके अलावा चेरी संतरा और नास्पति ये सब जो आपके एनजीओ स्पर्म के उदाहरण हैं तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ बनाता कि कोशिका का अध्ययन ये जो है किस में किया जाता है यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है तो देखिए कोशिका कोशिकाओं का जो अध्ययन है ना ये आपका कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी में जो है वो किया जाता है तो साइटोलॉजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था uh, एक परमाणु से बने त्रिनात्मक तत्वों में जो है कौन सा प्रत्यय जो है वो लगता है यानी जितने भी आपके मोनो एटॉमिक जो निगेटिव आयन होते हैं ना उनमें जो है कौन सा जो आ, सफिक्स का जो है प्रयोग किया जाता है तो देखिए मोनो एटेमिक निगेटिव आयन का एक, अगर एग्जाम्पल देख लें तो देखिए सल्फाइड जो है ये आपका मोनो एटेमिक निगेटिव आयन है इसका जो क्या होता है तो एस टू माइनस होता है तो इसमें आप देखेंगे कि सल्फाइड में आपका जो लास्ट में क्या आ रहा है तो I आ रहा है इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देख ले तो नाइट्राइड आयन नाइट्राइड भी में भी जो आप देखोगे ना तो आई डी ई करके आएगा और सफिक्स भी तो यही होता है ना सफिक्स मतलब क्या है प्रत्यय प्रत्यय में जो आपका लास्ट में जो लगता है उसी को जो है प्रत्यय कहा जाता है तो आपका जो है कौन सा होगा ऋणात्मक तत्व में कौन सा प्रत्यय लग रहा है तो आइड जो आपका लग रहा है तो आइड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो आपके एनायन होते हैं ना इसमें कौन सा चार्ज होता है तो देखिए एनायन में जो आपके निगेटिव चार्ज होते हैं और जो आपके कैटायन होते हैं ना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस गैस को जो है फल पकाने वाले हार्मोन के रूप में जो है वो जाना जाता है तो देखिए ये जो आपका एथिलीन जिसे एसिटिलीन गैस भी कहा जाता है और इसे जो है फल को पकाने वाला हार्मोन के रूप में जाना जाता है तो एसिटिलीन गैस आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां आप पर रेगुर मिट्टी ये जो है किसे कहा जाता है यानी रेगुर मिट्टी का जो है अन्य नाम पूछा गया था तो देखिए काली मिट्टी को जो है ये आपका रेगुर मिट्टी कहा जाता है तो काली मिट्टी आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा काली मिट्टी की बात कर ले तो इसका जो निर्माण है ना ये आपके दक्कन के पठार यानी आपका ज्वाला चट्टानों से जो है ये आपका बनता है और ये जो आपका कपास उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है वो माना जाता है एग्जाम में पूछा जाता है कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है तो ये काली मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हिमालय कौन से पर्वत श्रृंखला का जो उदाहरण है तो देखिए अगर हिमालय की बात कर ले तो ये आपका नवीन वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है तो नवीन वलित आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा वलित पर्वत की बात कर ले तो ये आपका यूराल राकी पर, आ, पर्वत एंडीज पर्वत आल्पस पर्वत ये सभी जो आपके वलित पर्वत हैं तो वलित पर्वत आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर विन वेलकोनो इज इरप्टेड देन इट्स लिक्विड पार्ट आउट इज कॉल्ड यानी जब ज्वालामुखी में जब विस्फोट होता है ना तो उसमें लिक्विड यानी जो द्रव निकलता है ना उस द्रव को जो है क्या कहते हैं तो देखिए ज्वालामुखी से निकलने वाले द्रव को जो है ये आपका लावा जो है वो कहा जाता है तो लावा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि धारा तीन ये जो आपका किस राज्य से संबंधित है तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि धारा तीन और अनुच्छेद पैंतीस ए के तहत जो है जम्मू कश्मीर राज्य को जो कि पहले आपका राज्य था जम्मू कश्मीर राज्य और इसे जो है विशेष राज्य का जो है वो दर्जा दिया गया था और वर्तमान में जो आपका जम्मू कश्मीर है ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है तो ये जो आपका किस राज्य से संबंधित था तो ये आपका जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अनुच्छेद 370 और पैतीस ए को जो है ये कब जो है इसे हटाया गया था तो देखिए इसे जो है पाँच अगस्त दो को जो है वो हटाया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप रहा था कि केंद्रीय बैंक देश की आर्थिक हित में जो है बैंकों को ऋण ये जो है किस विधि द्वारा देता है तो देखिए केंद्रीय बैंक जैसे कि आरबीआई हो गया ये जो है देश के आर्थिक हित में बैंकों को जो ऋण है ना ये रेपो रेट के द्वारा देता है तो रेपो रेट आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले रेपो रेट होता क्या है तो देखिए रेपो रेट वह ब्याज दर होता है जिस पर किसी देश का केंद्रीय केंद्रीय बैंक बैंक जो है वाणिज्य बैंक यानी कमर्शियल बैंक को जो है वो पैसा उधार देता है उसे ही जो आपका रेपो रेट कहा जाता है और इसके उल्टा जो आपका रिवर्स रेपो रेट होता है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा था तो देखिये साई का जो फुलफॉर्म होता है ना ये आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खेल प्राधिकरण होता है तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले साई की स्थापना ये जो है कब हुआ था तो देखिए साई की जो स्थापना है ना ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यानी युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा इसकी जो स्थापना है ना ये आपका उन्नीस में किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा बात कर ले साई का मुख्यालय ये जो है कहाँ पर स्थित है तो देखिए साई का जो मुख्यालय है ना ये आपका नई दिल्ली में स्थित है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पर आता की लच्छू महाराज निम्न में से किस नेत्र से संबंधित है तो देखिए लच्छू महाराज का जो संबंध है ना ये आपका कथक नेत्र से है तो कथक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके लच्छू महाराज है ना ये आपके हरियाणा सॉरी लखनऊ घराने से संबंधित है और ये जो आपका कथक है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके हर शिफ्ट में एक प्रश्न जो है एक नृत्यांगना का नाम दे दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि ये जो है किस नृत्य से संबंधित है तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भरतनाट्यम ये जो आपका तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसमें प्रमुख कलाकारों की अगर मैं बात कर लू तो ई कृष्णा अय्यर रुक्मणि देवी अरुणेल यामिनी कृष्णा मूर्ति लक्ष्मी विश्वनाथन पद्म सुब्रमण्यम मृणालिनी सारा भाई मल्लिका सारा भाई इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है कुचिपुड़ी नृत्य की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए कुचिपुड़ी जो नृत्य है ना ये आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसमें प्रमुख कलाकारों की मैं बात कर लू तो बाला सरस्वती रागिनी देवी राधा रेड्डी और राजा रेड्डी यामिनी कृष्ण मूर्ति इंद्रानी रहमान इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य से है और देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं जैसे कि यामिनी कृष्णा मूर्ति का जो संबंध है ये कुचिपुड़ी नृत्य से भी है यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो संबंध है ये आपका भरतनाट्यम नृत्य से भी है तो देखिए जब भी आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा ना कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है तो आपके ऑप्शन में या तो दो पेयर में दिया रहेगा भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दिया रहेगा या फिर इन दोनों में से कोई एक दिया रहेगा तो ये ध्यान आप रखिएगा पॉइंट को नेक्स्ट बात कर लेते कथकली के बारे में तो देखिए ये जो आपका कथकली है ना ये आपका केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसमें प्रमुख कलाकार की मैं बात कर लूँ तो वी एन मैनन गुरु कुंचू कुरूप गोपीनाथ कोटकल शिव रामन रीता गांगुली इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका कथकली नृत्य से है और इसी जो है ये आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है और इसमें आपके इंद्रानी रहमान चार्ल्स फ्रेबिक गुरु पंकज चरण दास केलुचरण महापात्रा सोनल मान सिंह सेरिन लोवेन और माइला बर्वी इन सभी का जो संबंध है ना यह आपका ओडिसी नृत्य से है मणिपुरी जो कि आपका मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसमें प्रमुख कलाकार में राजा भाग चंद्र रविन्द्राथ टैगोर नैना सुवर्णा रंजना और दर्शना ये चार बहनों का जो संबंध है ये मणिपुरी नृत्य से है गुरु बिपिन सिन्हा का जो संबंध है ये भी आपका मणिपुरी नृत्य से है कथक की बात कर ले तो लेडी लीला सोखी बिरजू महाराज लच्छू महाराज सितारा देवी और दमयंती जोशी इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका कथक नृत्य से है मोनी अटम की बात कर ले तो ये आपका केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसमें आपके वी मेनन कल्याणी अम्मा सुनंदा नायर कला मंडलम छमुअी माधुरी अम्मा जयप्रभा मेनन इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका मोनी अटम से है तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पढ़ाया था कि पुस्तक द त्रिपाठी तो तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दू कि ये जो आपका पुस्तक है ना ये फरवरी 2010 में जो ये प्रकाशित हुआ था इसके अलावा अमित त्रिपाठी के अन्य पुस्तकों की अगर मैं बात कर लू तो पहला पुस्तक जो नाम आता है द सीक्रेट्स ऑफ द नागाज द ओथ ऑफ द वायुपुत्राज राम स्क्योन ऑफ इच इचवाकू इसके अलावा सीता वारियर ऑफ मिथिला रावण ऑर्फेन रावण ऑर्फेन ऑफ आर्यव्रत ये सभी जो पुस्तक है ना ये अमित त्रिपाठी की पुस्तक है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आप पर आता कि साजा के जो है पुत्र का नाम पूछा गया था तो देखिए मैं आपको बता दू शाहजहां जो था ना ये मुगल वंश का पांचवा मुगल सम्राट था और इसके पुत्र की अगर मैं बात कर लूँ तो औरंगजेब जो था ना ये शाहजहां का पुत्र था और शाहजहां के मृत्यु के बाद जो है औरंगजेब ही जो है इसकी गद्दी पर जो वो बैठा था तो औरंगजेब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दू कि शाहजहाँ के जो आपके टोटल चार पुत्र थे जिनके नाम आपको ध्यान में रखना है जैसे कि औरंगजेब दारा सिको सासुजा और मुराद बख्श ये सब जो थे आपके शाहजहां के जो है वो चार पुत्रों के नाम थे इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका दारा सिको था ना ये शाहजहां का सबसे प्रिय पुत्र था और ये जो आपका शाहसूजा था ये शाहजहां का दूसरा पुत्र था इसके अलावा ये जो आपका मुराद बख्श था ना ये शाहजहां का सबसे छोटा पुत्र था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बराबर की गुफाएं स्थित है तो देखिए ये जो आपका बराबर की जो गुफाएं है ना ये आपका बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में स्थित है तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पर आता है कि 2022 का शीतकालीन ओलंपिक यानी जो विंटर ओलंपिक था ना ये किस शहर में आयोजित किया गया था तो देखिये दो का चौबीसवा जो शीतकालीन ओलंपिक है ना ये आपका बीजिंग चीन में जो है वो आयोजित किया गया था तो शहर आपसे पूछा गया था तो बीजिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर लें दो हजार का शीतकालीन ओलंपिक का जो है मोटो यानी यानी नारा जो है वो क्या रहा था तो टुगेदर फॉर शेयर्ड एक एक साथ एक साझा भविष्य के लिए ये जो है 2022 का शीतकालीन ओलंपिक का जो है ये मोटो रहा था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा बात कर ले 2026 का शीतकालीन ओलंपिक यानी जो 25वां शीतकालीन ओलंपिक है ना ये कहां पर आयोजित किया जाएगा तो देखिए 2026 का जो 25वां विंटर ओलंपिक्स है ना ये आपका इटली के शहर मिलान और कॉटिनिया में आयोजित किया जाएगा तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा बात कर ले 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी जो आपका समर ओलंपिक होगा ना ये किस देश में आयोजित किया जाएगा तो देखिए 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ना ये आपका पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा और 2020 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये जो कब हुआ था तो ये आपका दो में टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा प्रीवियस में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था जो कि आपका बीजिंग चीन में हुआ था उसमें भारत तरफ से दो अलग अलग खेलों में जो जो है किसने किया था तो देखिए भारत तरफ से एकमात्र खिलाड़ी जो क्वालिफाई किए थे ये आरिफ खान ने जो वो क्वालिफाई किया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप यहाँ पर आता था की उस्ताद बिस्मिल्ला खान ये जो है कौन से संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे तो तो देखिए उस्ताद बिस्मिल्ला खान जो है ये आपके सहनाई बजाते थे तो सहनाई वादक आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान को जो है 2001 में भारत का सबसे उच्च सिविलियन पुरस्कार भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था और ये जो आपके शास्त्रीय सास, संगीत में तीसरे जो है ये भारत रत्न पाने वाले जो है ये संगीतकार बने थे पहले की अगर मैं बात कर लू तो देखिए पहले जो थे ये आपके एम एस शुभ लक्ष्मी थी और सेकंड जो थे ये आपके पंडित रविशंकर तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप रहा था कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ना ये कितने वर्षों का होता है तो देखिए उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ना ये पांच वर्षों का होता है तो पांच वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संविधान के भाग पांच में भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पर जो है वो चर्चा किया गया है इसके अलावा अनुच्छेद तिरसठ की बात कर ले तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति यानी भारत का एक रूप उपराष्ट्रपति होगा यह आपका अनुच्छेद तिरसठ में बताया गया है उपराष्ट्रपति को राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होना चाहिए यानी राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं ना ये आपके उपराष्ट्रपति होते हैं और ये जो आपका अनुच्छेद चौसठ में जो वो आपका बताया गया है अनुच्छेद छियासठ की बात कर ले तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव से संबंधित जो अनुच्छेद है ना ये आपका अनुच्छेद छियासठ है अनुच्छेद सिक्सटी नाइन की बात कर ले तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान ये जो आपका अनुच्छेद सिक्सटी नाइन से संबंधित है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा बात कर ले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे तो देखिए भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे ना ये आपके एस राधा कृष्णन यानी सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर अलूरी सीताराम राजू का जो संबंध है ना ये किस राज्य से है तो देखिए अलूरी सीताराम राजू की बात कर ले तो एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जो है एक सशस्त्र अभियान चलाया था और वो मात्र 18 साल की उम्र में ही जो है संत यानी सन्यासी जो वो बन गए थे अगर इनके राज्य की बात कर ले तो ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अलूरी सीताराम राजू ये जो है किस आदिवासी विद्रोह से जुड़े हुए थे तो ये जो आपका रामा आदिवासी विद्रोह से जो वो जुड़े हुए थे तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप रहा था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है ना वो किया गया है तो देखिए मैं आपको बता दूं कि समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है ना ये आपका संविधान के भाग चार और अनुच्छेद 44 में किया गया है तो अनुच्छेद 44 आपका पे करेक्ट आंसर होगा और देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 44 है ना ये आपका राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी के अंतर्गत आता है और अगर मैं डी की बात कर लू तो ये आपका भाग चार और अनुच्छेद छत्तीस से लेकर इक्यावन तक जो ये आपका वर्णित किया गया है इसके अलावा ये जो आपका डीपीएसपी है ना ये आपके आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप अठारह कि सत्तावन के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था तो देखिए अठारह का जो क्रांति हुआ था ना उसमें जो लखनऊ से जो नेतृत्व है ना ये बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की जो है पत्नी थी और इन्होंने जो है लखनऊ से जो है वो नेतृत्व किया था तो बेगम हजरत महल आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले अठारह की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था तो ये बहादुर शाह जफ़र के द्वारा किया गया था फ़तेहपुर से जो नेतृत्व है ना ये अजीमुल्ला तो, के द्वारा किया गया था फैजाबाद से जो नेतृत्व है ये मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था कानपुर से जो नेतृत्व है ये नाना साहब के द्वारा किया गया था बरेली से जो नेतृत्व है ये खान बहादुर खां के द्वारा किया गया था इलाहाबाद से जो नेतृत्व तो है ये लियाकत अली ने किया था और झांसी से जो नेतृत्व तो है ये रानी लक्ष्मी के द्वारा किया गया था इसके अलावा बिहार से जो नेतृत्व तो है ना ये नेता कुंवर सिंह ने किया था तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1857 की क्रांति से जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि अठारह की जो विद्रोह हुआ था ना इसका मुख्य कारण क्या रहा था तो देखिए इसका जो मुख्य कारण रहा था ना वो चर्बी वाले कर्तूसों का प्रयोग जो वो किया गया था अठारह के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे तो ये आपके लॉर्ड कैनिंग थे किस सैनिक ने अठारह सौ ईस्वी का जो विद्रोह है ना वो आरंभ किया था तो देखिए मंगल पांडे के द्वारा जो है ये 1857 का जो विद्रोह है वो शुरू किया गया था इसके अलावा बात कर ले अठारह के विद्रोह में किसने जो अपना सबसे पहले जो बलिदान है वो दिया था तो देखिए सबसे पहले जो बलिदान है ना ये मंगल पांडे के द्वारा किया गया था इसके अलावा मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी ये भी प्रश्न पूछा जाता है तो देखिए मंगल पांडे को जो फांसी है ना ये 8 अप्रैल अठारह को दिया गया था तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि बाई विच ब्रांड नेम द फर्टिलाइजर बिल सोल्ड अंडर वन नेशन वन फर्टिलाइजर यानी एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत जो है उर्वरक किस ब्रांड के नाम से जो है वो बेचा जाएगा तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के तहत सभी प्रकार के जो उर्वरक है ना जैसे कि यूरिया डीएपी और एनपीके इन सभी को जो है ना ये भारत ब्रांड नाम के नाम से जो है वो बेचा जाएगा तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आता है कि हु इंट्रोड्यूस द इंडियन एंटार्टिक बिल 2022 इन लोकसभा ऑन एक अप्रैल 2022 यानी एक अप्रैल 2022 को जो है लोकसभा में द इंडियन एंटार्टिक जो बिल है ना ये 2022 में किसने पेश किया था तो देखिए एक अप्रैल 2022 को लोकसभा में इंडियन अंटार्कटिक बिल जो है ना, ये आपके विज्ञान मंत्रालय जितेंद्र सिंह होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से किस भरतनाट्यम शास्त्रीय उनके योगदान के लिए जो है दो में पद्म विभूषण से सॉरी पद्म भूषण से जो है वो सम्मानित किया गया था तो देखिए अलारमेल वल्ली जो कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है और इन्हें जो है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए जो है 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो अलारमेल वल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दू कि अलारमेल वल्ली को जो है उन्नीस सौ में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से भी जो है वो सम्मानित किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मई 2022 तक चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है तो देखिए मई 2022 तक चीनी का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ना ये आपका महाराष्ट्र राज्य है तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां आप पर यूज ऑफ विंड वेन यानी वायु गति दर्शन यंत्र का जो उपयोग है ना ये किसके मापने के लिए किया जाता है तो देखिए इंडिकेटिंग विंड डायरेक्शन यानी वायु की दिशा दिखाने के लिए जो है विंड वेन का जो है प्रयोग किया जाता है तो वायु की दिशा आपका यहाँ पे आपका पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि घनगौर त्योहार है ना ये आपका राजस्थान राज्य में मनाया जाता है तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पाता है कि विच फ्रैक्शन सॉरी फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स यानी निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण जो है ये आपका ससमयोजन बल होता है तो देखिए ये जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन यानी जो स्थैतिक घर्षण होता है ना ये आपका सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां आप रहा था कि अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलकर जो है कौन सी नदी बन जाती है तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अलकनंदा जो है ना ये भागीरथी नदी से देव पर्याग में मिलता है और ये देव पर्याग में मिलने के बाद यह जो आपका गंगा नदी जो है वो बन जाता है तो गंगा नदी आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पढ़ा था कि शक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था जिसका कार्यकाल 130 से लेकर जो है 150 सौ ईस्वी तक रहा था तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जय दमन का पुत्र ये जो आपका रुद्र दमन था ना जो जो कि आपका उज्जैन का शासक बना था और ये जो आपका शासकों का सबसे प्रतापी राजा था तो रुद्र दमन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा और इसका जो कार्यकाल है ये आपका 130 से लेकर 150 सौ ईस्वी तक रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना यानी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम ये जो है कब शुरू किया गया था तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त उन्नीस सौ पंचानवे को एन एस ए पी यानी राष्ट्रीय सामाजिक किया गया था तो उन्नीस आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां आप रहा था की भरतनाट्यम भारतीय नृत्य की एक शैली पंडानुलर शैली के प्रतिपादक कौन है यानी जो, या आपका जो है न, ये आपका पंडानुलर जो शैली है ना ये भरतनाट्यम नृत्य का एक जो आपका शैली है जिसका विकास जो वो किसने किया था तो देखिए पंडालुरट शैली का जो विकास है ना ये आपके गुरु मीनाक्ष मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई के द्वारा किया गया था तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप रहा था कि भारत में शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का जो है प्रतिशत दो में जो है ये कितना रहा था तो देखिए 2011 की जनगणना में भारत का जो शहरी आपका जनसंख्या यानी रूरल जो पॉपुलेशन रहा था ना ये आपका 31.2 परसेंट रहा था तो 31.2 परसेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा ग्रामीण जनसंख्या की बात कर ले तो ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है ना ये आपका 68.8 परसेंट रहा था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा मैं आपको बता दू कि सबसे अधिक जो शहरीकृत वाला राज्य रहा था ना ये आपका तमिलनाडु राज्य रहा था और सबसे अधिक जो ग्रामीण वाला राज्य रहा था ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य रहा था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें एकल कल यू यू कैरियोटिक कोशिका के जो है कोशिका द्रव्य को दो संतति कोशिका के रूप में जो है विभाजित किया जाता है तो देखिए साइटोकाइनेसिस कोशिका

वितरण को जो है ये क्या कहा जाता है तो देखिए एक जैविक समुदाय में विभिन्न तो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है तो देखिए डब्लू अम्ब्रेला जो पुस्तक है ना ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है तो रस्किन बॉन्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रस्किन बॉन्ड को जो है उन्नीस में, में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इसके अलावा उन्नीस में, में इन्हें जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2014 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पता था कि विश्व में भारत का गेहूँ उत्पादन में जो है कौन सा स्थान है तो देखिये विश्व में भारत गेहूँ उत्पादन में जो है दूसरे स्थान पे है और पहले स्थान पे कौन सा देश है तो देखिए पहले स्थान पे जो है ये आपका चीन देश है तो दूसरा स्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले भारत के किस राज्य में जो है सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है तो देखिए भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जो है गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है इसके अलावा बात कर ले विश्व में भारत के चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है तो देखिए चावल उत्पादन में भारत भी जो है ये आपके दूसरे स्थान पे है और भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन होता है तो ये आपका पश्चिम बंगाल में होता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट जो है ये क्या रहा था तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का प्रजनन दर जो है ये आपका 2.2 रहा था तो 2.2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले 2001 की जनगणना में भारत का प्रजनन दर कितना रहा था तो ये आपका 2.5 रहा था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ आप रहा था कि 1983 का ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप ये जो है किस देश में आयोजित किया गया था तो देखिए 1983 का जो ओडीआई क्रिकेट विश्व कप है ना ये आपका इंग्लैंड देश में आयोजित किया गया था तो इंग्लैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले 1983 का ओडीआई क्रिकेट विश्व कप ये जो है किस देश ने जीता था तो ये ये आपका आपका भारत देश ने जीता था था और कौन रहा था, तो वेस्ट इंडीज देश रहा था वहीं अगर बात कर ले उन्नीस के क्रिकेट विश्व कप में भारत के जो है कप्तान कौन रहे थे तो ये आपके कपिल देव रहे थे और कपिल देव को जो है हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा आपके एग्जाम में 2011 का विश्व कप से प्रश्न पूछा जाता है कि 2011 का जो ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप है ना ये किस देश में आयोजित किया गया था तो ये आपका इंडिया श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित किया गया था जिसके विजेता टीम की बात कर ले तो इसका जो विजेता टीम रहा था वो आपका भारत देश रहा था और उप विजेता जो ये आपका श्रीलंका देश रहा था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ODI क्रिकेट विश्व कप है ना ये प्रत्येक चार साल बाद आयोजित किया जाता है जिसमें उन्नीस के बाद उन्नीस में जो ये आपका भारत पाकिस्तान में आयोजित किया गया था 1996 में भी जो आपका भारत पाकिस्तान और श्रीलंका देश में आयोजित किया गया था इसके अलावा दो में जो का क्रिकेट ओडीआई क्रिकेट विश्व कप होगा ना ये आपका भारत देश में आयोजित किया जाएगा तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा पूछा जाए एग्जाम में कि पहला जो क्रिकेट विश्व कप है ना ये कब आयोजित किया गया था तो देखिए पहला जो क्रिकेट विश्व कप है ये आपका 1975 में आयोजित किया गया था जिसमें 1975 में जो विजेता टीम रहा था ये आपका वेस्ट इंडीज देश रहा था उसके बाद आपका उन्नीस में आयोजित किया गया था और उन्नीस और उन्नीस में यह आपका इंग्लैंड देश में आयोजित किया गया था और उन्नीस में भी जो विजेता है ना ये आपका वेस्ट इंडीज देश रहा था इसके अलावा एग्जाम एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अब तक सबसे ज्यादा ओडीआई क्रिकेट विश्व कप जो है यह किस देश ने जीता है तो देखिए अब तक ऑस्ट्रेलिया टीम ने जो है पांच बार ओडीआई विश्व कप जो है वो जीत चुका है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ है कि अंतरराष्ट्रीय अलवन जल वर्ष ये जो है कब मनाया गया यानी आपका जो है मीठे पानी के अंतरराष्ट्रीय वर्ष जो है ये किस वर्ष में घोषित किया गया था तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2003 को जो है इंटरनेशनल फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है घोषित किया गया था तो दो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप यहाँ आता है कि गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना ये अरुंधति रॉय है तो अरुंधति रॉय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अरुंधति रॉय को गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए जो है ये आपका सन्तानवे में मैन बुकर प्राइज भी जो है वो दिया गया था तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला जिसे मैन बुकर प्राइज दिया गया था तो देखिए अरुंधति रॉय जिनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जो है पहला जो है मैन बुकर प्राइज जो है वो दिया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप रहा था कि वाज द पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता जो है ये कब हस्तांतरित किया गया था तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को जो सत्ता है ना ये अठारह में स्थानांतरित किया गया था तो अठारह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा और अगर किस एक्ट के तहत पूछा जाए तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अठारह के तहत जो है हस्तांतरित किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ब्रिटिश संसद के द्वारा ये जो है कब पारित किया गया था तो ये आपका 2 अगस्त अठारह को जो है पारित किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप यहाँ पर सुंदरवन भारत तथा किस देश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है तो देखिए सुंदरबन वन जो ये आपका भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है तो बांग्लादेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पर था की चारकूला जो लोक नृत्य है ना ये किस राज्य में मनाया जाता है तो देखिए ये जो आपका चारकूला लोक नृत्य है ना ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य के ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आता है कि वेमपति चिन्ना सत्यम को उन्नीस में जो है कौन सा अवार्ड दिया गया था तो देखिए चिन्ना सत्यम ये जो आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है और इन्हें उन्नीस में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो पद्म भूषण आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप यहाँ पड़ा था कि इनमें से कौन प्रमुख सितार वादक है तो देखिए प्रमुख सितार वादक की बात कर ले तो उमा शंकर मिश्र पंडित रविशंकर बुधा मुखर्जी विलायत खान शाहिद परवेज वंदे हसन इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके सितार वाद्य यंत्र से है और आपके ऑप्शन में जब विलायत खान दिया गया था तो विलायत खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आता है कि कौन से ओडिसी नृत्य से संबंधित कलाकार हैं तो देखिए ओडिसी नृत्य से संबंधित कलाकार की बात कर ले तो इंद्राणी रहमान चार्ल्स फ्रेबी गुरुपंकज चरण दास केलूचरण महापात्रा सोनल मान सिंह इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका ओडिसी नृत्य से है और ऑप्शन में आपका केलूचरण महापात्र दिया गया था तो केलूचरण महापात्र आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ तो पर था कि होला मोहल्ला ये जो उत्सव है ना ये किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है तो देखिए होला मोहल्ला जो उत्सव है ना ये आपका सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाता है तो सिख समुदाय आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप कि कौन सा संचारी रोग नहीं है यानी कौन सा जो है संक्रमक रोग नहीं है तो देखिए अगर संचारी रोग की बात कर ले तो ये आपके दीर्घकालिक बीमारियां होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है वो नहीं फैलते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बता दूं तो देखिए कैंसर मधुमेह जिसे आप डायबिटीज रोग बोलते हैं इसके अलावा जो आपका हृदय रोग होता है ना ये सब आपके संचारी रोग हैं तो ऑप्शन में आपका मधुमेह दिया गया था यानी डायबिटीज दिया गया था तो डायबिटीज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा यानी ये सब जो आपके संचारी रोग नहीं है यानी गैर संचारी रोग है तो मधुमेह आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आप पर आता कि उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी गई थी तो देखिए उत्तराखंड का जो दूसरा सबसे ऊंची चोटी है ना ये आपका कामेट है तो कामेत आपका यहां पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा कामेट की बात कर ले तो ये आपका उत्तरा खंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसके अगर हाइट की बात कर ले तो ये आपका सात हजार सात सौ छप्पन मीटर है उत्तराखंड के सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए ये तो आपका दूसरा सबसे ऊंची चोटी हो गया उत्तराखंड का जो सबसे ऊंची चोटी है ना ये आपका नंदा देवी है जो कि गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है और अगर इसके हाइट की बात कर ले तो सात हजार आठ सौ सोलह मीटर है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा हिमालय के टॉप तीन सबसे ऊंची चोटी की बात कर ले तो देखिए हिमालय के टॉप तीन सबसे ऊंची जो चोटी है ना पहला आपका माउंट एवरेस्ट है जिसके हाइट की बात कर ले तो 8,848 मीटर है सेकेंड स्थान पे जो आपका केटू जिसे आप गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं और इसका जो हाइट है ये आपका आठ मीटर है इसके अलावा केटू ये जो आपका ट्रांस हिमालय के काराकुरम में स्थित है थर्ड अगर बात कर ले तो हिमालय का तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी है ना ये ये आपका आपका है है जिसके हाइट की बात कर ले तो ये आपका मीटर है, तो मीटर ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आप पर था कि ब्रिटेन के संविधान से कौन सा स्रोत यानी कौन सी विशेषता जो है वो लिया गया है तो देखिए कैबिनेट प्रणाली संसाधमक शासन प्रणाली एकल नागरिकता विधि निर्माण प्रक्रिया ये सभी जो आपके विशेषता है ना ये आपके ब्रिटेन देश के संविधान से लिए गए हैं तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक होगा। आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है कि राज्यपाल कितने साल के के कार्यकाल लिए जो है राज्य वित्त आयोग के नियुक्ति करते हैं तो देखिए राज्यपाल जो है ये पांच साल के कार्यकाल के लिए जो है राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं तो पांच वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं तो देखिए राज्यपाल जो है ये अनुच्छेद दो आई के तहत ये जो है राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं तो ये अनुच्छेद भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत में मुद्रा प्रिंटिंग का जो अधिकार है ना ये किसके पास होता है यानी भारत में नोट छापने का जो अधिकार है ना ये किसके पास होता है तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक रुपए के नोट को छोड़कर सभी नोट जो है, है जबकि एक रुपए का जो नोट है, है पार्टिकुलरली तो अगर आपका एक रुपए का पूछा जाए तो ये पॉइंट जो है आप ध्यान में रखिएगा की राष्ट्र मेडल खेल दो हजार बाईस में आपका जो वेट लिफ्टिंग में जो है गोल्ड मेडल किसने जीता था तो देखिए 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर ले तो देखिए 2022 का जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ना ये आपका बर्मिंग इंग्लैंड में आयोजित किया गया था जिसमें भारत भारत जो जो है ये आपके चौथे स्थान रहा था भारत ने टोटल एकसठ पदक जीते थे जिसमें 22 जो है वो गोल्ड 16 जो था वो सिल्वर था और तेईस जो था वो आपका क्या था तो ब्रॉन्ज मेडल था यानी टोटल जो है भारत एकसठ मेडल जीता था वहीं अगर वेट लिफ्टिंग की बात कर ले तो देखिये वेट लिफ्टिंग में जो गोल्ड मेडल है ना ये सैखो मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था

काशी तमिल संगम जो है ये आयोजित किया गया था तो शिक्षा मंत्रालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ बनाया था कि दो हजार बाईस फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप के जो विजेता है ना ये कौन रहे थे तो देखिए दो हजार बाईस मैक्सिकन फार्मूला वन रेस के जो चैंपियन है ना ये आपके मैक्स वर्स टैपेन रहे थे तो मैक्स वर्सेन आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दू कि ये जो आपके मैक्स वर्स टेपेन है ना ये आपके डच बेल्जियन रेसिंग ड्राइवर है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पाया था कि साहित्य में नोबेल प्राइज 2022 ये जो है किसे दिया गया है तो देखिए 2022 का जो आपका लिटरेचर में नोबेल प्राइज है है ना ये आपका 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 एनी एनी को दिया गया है, तो करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पौधे के लिए आवश्यक तत्व कौन से होते हैं तो देखिए पौधे के लिए जो आपके तीन मुख्य पोषक तत्व होते हैं और वो तीन मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं तो आपके एन पी के होते हैं एन से आपका नाइट्रोजन हो गया पी से आपका जो है पोटेशियम हो गया और सॉरी पी से आपका भूषपुरुष हो गया और के के जो पोटेशियम का सिंबल होता है तो के आपका पोटेशियम हो गया तो तीन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दू कि पौधे की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों का जो प्रमुख स्रोत होता है ना ये आपका मिट्टी होता है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिए तो थर्ड स्टिप में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि वाइड एंगल पुस्तक के लेखक कौन है तो देखिए ये जो आपका वाइड एंगल पुस्तक है ना ये अनिल कुंबले के द्वारा लिखा गया है तो अनिल कुम्बले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है की महानदी का उद्गम ये जो है कहाँ से होता है तो देखिए महानदी का जो उद्गम है ना ये आपका रायपुर छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से होता है तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका महानदी है ना ये किन किन राज्यों से होकर बहता है तो देखिए महानदी जो है ये आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों से होकर बहता है और भारत का जो सबसे बड़ा बांध है ना हीराकुंड बांध ये जो आपका महानदी नदी पर जो है वो निर्मित है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा ये जो आपका हीराकुंड बांध है ना ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है की विच ऑफ दीजन ऑफ द एटमोसफेयर इज एज द रीजन ऑफ मिक्सिंग यानी निम्नलिखित में से वायुमंडल का कौन सा क्षेत्र जो है मिश्रण के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है तो देखिए वायुमंडल का ये जो आपका क्षोभ मंडल यानी जो आपका ट्रोपोस्पियर जो क्षेत्र है ना इसे जो मिश्रण के के क्षेत्र रूप में जाना जाता है तो ट्रोपोस्पियर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आईसी मीन्स टी ट्वेंटी विश्व कप 2021 ये जो है किस देश ने जीता है तो देखिए 2021 का जो आईसीसी मेंस टी ट्वेंटी विश्व कप है ना ये आपका फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को आठ विकेट से हराकर जो है अपना पहला टी ट्वेंटी विश्व कप जो है वो जीत लिया है तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा अगर उप विजेता पूछा जाए तो उप विजेता जो आपका न्यूजीलैंड देश रहा था इसके अलावा बात कर ले 2021 का जो आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप है ना ये कहां पर आयोजित किया गया था तो ये आपका यूएई और ओमान देश में आयोजित किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा बात कर ले 2021 का जो का जो आईसी विश्व कप हुआ था ना इसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे थे तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर रहे थे सबसे ज्यादा जो रन है ये आपके पाकिस्तान के बाबर आजम ने लगाया था सबसे ज्यादा जो विकेट है ना ये श्रीलंका के वानुंदु हसरंगा ने लिया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा बात कर ले 2022 का जो आईसीसी मेंस टी विश्व कप हुआ है ये किस देश में आयोजित किया गया है तो देखिए 2022 की बात कर ले तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश में आयोजित किया गया था जिसका जो विजेता टीम है ना ये आपका इंग्लैंड देश रहा है और उप कौन सा देश रहा है तो उप जो ये आपका पाकिस्तान देश रहा है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है और 2022 में सबसे ज्यादा जो रन है ना ये विराट कोहली के द्वारा मारा गया है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य देश नहीं है तो देखिए आसियान की बात कर ले तो आसियान का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है जिसका गठन जो है 8 अगस्त 1967 को पांच सदस्य इंडोनेशिया थाईलैंड फिलिपींस मलेशिया और सिंगापुर ये पांच सदस्यों के साथ जो है आसियान का जो है ये आपका गठन किया गया था इसके अलावा बात कर ले आसियान का जो मुख्यालय ये कहाँ पर है तो ये आपका जकार्ता इंडोनेशिया में है और वर्तमान में आसियान में जो आपके दस सदस्य देशों की संख्या है और वो दस सदस्य देश कौन कौन से हैं तो पहला आपका इंडोनेशिया है सेकेंड आपका मलेशिया है थर्ड आपका फिलिपींस फोर्थ वियतनाम फिफ्थ आपका कंबोडिया सिक्स आपका म्यांमार सेवेंथ आपका थाईलैंड एथ आपका सिंगापुर नाइन्थ आपका ब्रुनेई और दसवां आपका लाओस ये जो आपके आसियान के जो है दस वर्तमान देश हैं और आपके ऑप्शन में जो है श्रीलंका दिया गया था तो देखिए ये जो आपका श्रीलंका है ना ये आसियान देश का सदस्य नहीं है तो श्रीलंका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पा था कि वेन डिड आइडेंटिफाइड इन इंडिया यानी भारत में महाप्रशान की जो पहचान है ना ये हुई थी तो देखिए भारत में महापाषाण की जो पहचान है ना ये आपका तीन हजार ईशा पूर्व पहले हुआ था तो तीन हजार ईशा पूर्व आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नवरोज जो त्योहार है ना ये किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है तो देखिए पारसी धर्म का जो वर्ष होता है ना जिसे नवरोज के रूप में जाना जाता है और ये जो आपका ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए जो है इस नवरोज त्यौहार को मनाया जाता है तो ये जो है किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है तो ये आपका पारसी धर्म का वर्ष है तो पारसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इससे मिलता जुलता एक आपका नव नौ, नवरे उत्सव आता है ठीक है तो देखिए ये जो आपका नवरे उत्सव है ना ये आपका जम्मू कश्मीर के हिंदू पंडितों के द्वारा जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आप रहा था कि कंदरिया महादेव मंदिर को किस राजवंश ने जो है नौ सौ निन्यानवे सन ईस्वी में इसका जो निर्माण है वो करवाया था तो देखिए कंदरिया महादेव मंदिर का जो निर्माण है ना ये नौ सौ निन्यानवे ईस्वी में चंदेल वंश के राजा धंगदेव चंदेल के द्वारा किया गया था तो चंदेल वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका कंदरिया महादेव मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है तो ये आपका मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और ये जो है किस भगवान को समर्पित है तो देखिए कंदरिया महादेव मंदिर का जो है आ, ये है ना ये आपका शिव भगवान को समर्पित है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप रहा यहां पर नोलापट्टू पक्षी अभ्यारण ये जो है किस राज्य में स्थित है तो देखिए ये जो आपका नोलापट्टू पक्षी अभ्यारण है ना ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है भूमि से घिरा हुआ है और सबसे बड़ा बंदरगाह तो देखिए ये जो आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है ना जो कि आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और ये जो बंदरगाह ये आपका भूमि से घिरा हुआ है और सबसे गहरा बंदरगाह है तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ आप पहा था कि शोभना नारायण का जो संबंध है ना ये किस शास्त्रीय नृत्य से है तो देखिए शोभना नारायण का जो संबंध है ना यह आपका कथक नृत्य से है और कथक ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है इसके अलावा कथक के अन्य प्रमुख कलाकारों की बात कर लें, तो शंभु महाराज बैजनाथ प्रसाद जिन्हें लच्छू महाराज कहा जाता है सुखदेव महाराज बिरजू महाराज गोपी कृष्ण शोभना नारायण अच्छन महाराज लीला सुखी नारायण सॉरी नारायण प्रसाद चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज गौरी शंकर देवीलाल सितारा देवी, देवी दमयंती जोशी इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कथक नृत्य से है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र में जो है ये आपका प्रचलित है तो देखिए ये जो आपका छऊ नृत्य है ना ये आपका बंगाल झारखंड और उड़ीसा में जो है ये आपका प्रचलित है और ये जो आपके तीनों राज्य है ये आपके पूर्वी क्षेत्र में आ जाते हैं तो पूर्वी क्षेत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल में छऊ नृत्य को जो है किस नाम से जाना जाता है तो देखिए पुरलिया छऊ को जो है ये बंगाल में कहा जाता है इसके अलावा सरायकेला जो छऊ है ना इसे जो है झारखंड में मनाया जाता है इसके अलावा ये जो आपका मयूरभंज जो छऊ है ना ये आपका उड़ीसा राज्य में प्रचलित है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पा था कि इनमें से कौन जो है सरोद वादक है तो देखिए सरोद वादक की बात कर ले तो अलाउद्दीन खान बुद्ध देवदास गुप्ता अमजद अली खान अली अकबर खान विश्वजीत राय चौधरी और मुकेश शर्मा इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके सरोद सरोधवाद यंत्र से है तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर था कि आवर्त सारणी में हेलोजन ग्रुप का जो है तत्व कौन सा नहीं है तो देखिए हेलोजन ग्रुप की बात कर ले तो देखिए सत्रवा जो ग्रुप होता है ना इसे जो हेलोजन ग्रुप कहा जाता है यानी आवर्त सारणी का ये जो आपका सत्रवा ग्रुप है ना इसे ही जो हेलोजन ग्रुप कहा जाता है और इसमें आपके फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इसके अलावा ये सब जो, जो, तो जो, जो है समूह है और ये जो आपका किस में आ जाता है तो ये आपका नॉबल गैस यानी अक्रिय गैस में आ जाता है तो हीलियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आप पड़ा था कि भारत की जनगणना दो जो था ना ये स्वतंत्रता के बाद कौन सा जनगणना था तो देखिए 2011 तो की जो जनगणना था ना ये स्वतंत्रता के बाद सातवीं जनगणना था तो सातवीं आपका यहां पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी तो देखिए mm. भारत में जो पहला जनगणना है ना ये आपका अठारह में हुआ था और किसके कार्यकाल में हुआ था तो देखिए पहला जो जनगणना ये आपका अठारह में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो वो शुरू हुआ था और अगर ये बात कर ले की कौन सा जनगणना था ये तो यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद हो गया अठारह से अगर जोड़े तो दो की जो जनगणना था ना यह आपका पंद्रहवीं जनगणना था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पहली जो नियमित जनगणना है ना ये किस वर्ष में हुआ था तो देखिए भारत में जो पहला नियमित जनगणना है ये आपका अठारह में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है और प्रत्येक वर्ष जो जनगणना है ना ये 10 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप यहाँ पड़ा था कि बजट दो में कितनी आंगनबाड़ियों को जो है विकसित करने की घोषणा की गई है तो देखिए बजट 2022 में 2 लाख आंगनवाड़ियों को जो है विकसित करने का घोषणा जो है वो किया गया है तो 2 लाख आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ आप रहा था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसकी जो शुरुआत है ना ये कब किया गया था तो देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जो शुरुआत है ना ये 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था तो 15 जुलाई 2015 आपका यहां पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा बात कर ले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये जो है किस मंत्रालय का पहल है तो ये आपका स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेनरशिप यानी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का जो है एक पहल है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप यहां पर तुकरोई का जो युद्ध है ना ये कब हुआ था तो देखिए तुक्रोई का जो युद्ध है ना ये आपका मुगल साम्राज्य अकबर और बंगाल सल्तनत दाऊद खान करानी के बीच में जो है तीन मार्च पंद्रह सौ पचहत्तर को हुआ था तो तीन मार्च पंद्रह सौ पचहत्तर आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका तुकड़ो का युद्ध है ना इसे बजौरा का लड़ाई या फिर मुगल मारी का लड़ाई के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है और इस युद्ध में जो मुगलों की जीत हुई थी यानी जो अकबर जो था ना इस युद्ध में जो वो जीत गया था इसके अलावा बात कर रही है ये जो आपका तुकड़ोई स्थान है ये कहाँ पर है तो ये आपका उड़ीसा के बालासोर जिले में स्थित है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का जो है पूर्व में क्या कहा जाता था यानी पहले जो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का जो है नाम पूछा गया था तो देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का जो पुराना नाम था ना ये विक्टोरिया टर्मिनस था और ये कहाँ पर स्थित है तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है तो विक्टोरिया टर्मिनस आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को जो है 2004 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इसे मैं आपको बता दूं कि अठारह के विद्रोह के असफलता के बाद जो है मुसलमानों में धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से जो है ये आपका आंदोलन जो वो चलाया गया था और ये जो आपका अलीगढ़ आंदोलन था ना एक इस्लामी आंदोलन था जो कि आपका अठारह में हुआ था और इसका जो नेतृत्व है ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था तो सर सैयद अहमद खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका आप रहा था कि सबसे पुराना शहर बस्ती कौन सा है तो देखिए सबसे पुराना जो शहर बस्ती है ना यह आपका मेसोपोटामिया है तो मेसोपोटामिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा था कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति है ना ये किस स्थान पर पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था तो देखिये भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है ना यह आपका बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था और किस स्थान पर हुआ था तो यह आपका बोध गया में हुआ था तो बोध गया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा किस परिसर में हुआ था तो ये आपका महाबोधि मंदिर परिसर में हुआ था इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान जो प्राप्त हुआ था ना ये किस ईशा पूर्व में हुआ था तो ये आपका पांच सौ इकतीस ईशा पूर्व में हुआ था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सेंट्रल असेंबली बम कांड जो घटना है ना इसका अंजाम जो वो किसने दिया था तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल असेंबली बम कांड की जो घटना है ना ये आपका 8 अप्रैल उन्नीस को ये जो आपका हुआ था और इस घटना को क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है इसे अंजाम दिया था तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पड़ा था कि धारा